हाय, दिस इज वेलोसिटी एंड यू आर वाचिंग अवतार 2। तो गाइस या आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अवतार 2 जो कि कल रिलीज होने वाला है। एंड गाइस मैं आपको OTT रिलीज डेट बताने वाला हूँ, कहाँ पे इस मूवी को आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, वो भी कल ही। फर्स्ट शो लाइक आप एंजॉय कर सकते हो, थिएटर डब मिल सकता है आपको, HD में मिल सकता है, 1080p क्वालिटी के अंदर भी मिल सकता है। लेकिन गाइस उससे पहले हम क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर इस मूवी को टोटली एक्सप्लेन करेंगे, लाइक OTT रिलीज डेट मैं आपको बताने वाला हूँ और कहाँ कहाँ पे मूवी फ्री में निकलने वाला है और स्टोरी क्या होने वाला है इस मूवी का अवतार 2, आज ही हम लोग प्रिडिक्ट करने वाले हैं। तो यार गाइस आपको अगर ऐसे कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छे लगते हैं और यू कैन से इट्स अ कॉन्सेप्ट मूवी लाइक एक्सप्लेनेशन, तो मैं मूवी को अच्छे से आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो कि आपको समझ में आ जाए क्या होने वाला है अवतार 2 के अंदर। सो यार गाइस आपको अगर पसंद आता है सब तो मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को भी लाइक करते हो। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमें दिखाया गया अवतार 1 का एंडिंग। इन सारे पेंडोरा के प्लैनेट नावी मिलके इंसानों को उधर से मार के भगा देते हैं। एंड गाइस हमें दिखाया जाता है जितने लोग होते हैं उनको स्पेसशिप में डाल के पृथ्वी पे वापस भेज दिया जाता है और जैक सुली भी मरने वाला होता है लेकिन नाइत्री जो होती है आके उसे बचा लेती है। और हमें दिखाया जाता है जो जैक होता है वो टोटली एक नावी में बदल जाता है और जितने लोग होते हैं पेंडोरा प्लैनेट पे जैक सुली को एक अपना मान लेते हैं और नावी जो होते हैं गाइस वो लोग इनका ब्याह करवा देते हैं। लाइक पहले से ये लोग पसंद करते हैं अपने आप को लेकिन ये लोग शादी कर लेते हैं और इनके बच्चे भी होते हैं जिसमें यार 3 बच्चे होते हैं और एक मैं सीक्रेट आपको बताऊंगा वीडियो के एंडिंग में। और हमें दिखाया जाता है अब गाइस 10 साल बीत चुके हैं, जो इंसान लोग होते हैं वो लोग फिर से आते हैं हमला बोलने पेंडोरा प्लैनेट के ऊपर, लेकिन इस बार गाइस ये लोग आए थे एक नावी के रूप में। लाइक ये लोग होते हैं सारे लोग जो इंसान होते हैं फेक इंसान, वो लोग नावी के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को और ये लोग आ जाते हैं इनके ऊपर हमला बोलने। और गाइस जो जैक होता है वो भी समझ जाता है इस बार इनको रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा इनकी संख्या है। और अब हमें दिखाया जाता है जो जैक सुली होता है अपना गाँव छोड़ के इधर से ये लोग चले जाते हैं एक दूसरे गाँव में जिसकी वे ऑफ वाटर। अब गाइस हमें दिखाता जाता है ये लोग एक पास के ही दूसरे गांव में जाते हैं और ये लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें मूवी के अंदर एक अलग तरह के नावी दिखाया गया गाइस जो कि होते हैं समुद्र में रहने वाले होते हैं, लाइक ये लोग पानी से कांटेक्ट में रहते हैं और ये लोग होते हैं लाइट ग्रीन, मतलब लाइट ग्रीन कलर इनका होता है और जो हम देखते हैं वो लोग तो अपने फेवरेट ब्लू में है, आप जैसे कि इनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो। अब गाइस वो लोग पहले तो बोलते हैं हम लोग तुम्हें नहीं लेंगे अपने साथ क्योंकि अगर तुम लोग हमारे पास आओगे तो इंसान हमारे ऊपर भी आके हमला बोल देंगे। लेकिन गाइस जो जैक होता है वो बहुत अच्छा इंसान है, जैसे कि आप इंसान नहीं बहुत अच्छा नावी है जैसे कि आप जानते ही हो, वो बहुत ज़्यादा उनसे मनाता है और एट द एंड एक नावी ही दूसरे नावी की मदद करेगा जैसे कि आप जानते हो और वो लोग हेल्प कर लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है गाइस इस प्लैनेट पे मतलब इस समंदर के नीचे बहुत सारे अलग अलग जानवर होते हैं और ये सारे नावी मिलके इंटरेक्शन उनसे करते हैं और युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए इनके साथ ये लोग रहते हैं। और हमें दिखाया जाता है हर तरह के जानवर इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा जैसे कि आपको पता ही है। और अब एट द एंड जो होता है वो कर्नल होता है उसको इन लोगों का लोकेशन पता चल गया है, अब ये लोग एक और बार इनके ऊपर हमला बोल देते हैं। अब गाइस यही मूवी का प्लॉट सीन होने वाला है क्योंकि हमें दिखाया जाएगा फिर से एक बार नावी और फेक नावी, लाइक पहले बार कैसा हुआ था फाइट इंसान और नावी के बीच में हुआ था, लेकिन गाइस इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, इस बार होने वाला है नावी और इंसान नावी के बीच में बैटल। तो इसीलिए जो मूवी है बहुत खास होने वाला है आप जानते हो। और मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। एंड गाइस जो मैं बताने वाला था आपको एक सीक्रेट, एक प्लैनेट पे एक छोटा बच्चा होता है लेकिन वो जा नहीं पाता है अर्थ पे, लाइक जब नावी लोग भेज रहे होते हैं उसे अर्थ पे वो जा नहीं पाता है, इसलिए जो जैक होता है उसको अपने साथ पेंडोरा पे ही रख लेता है और वो जो इंसान का बच्चा होता है छोटा सा वो भी छोटे से ही ट्रेनिंग इधर मिला रहता है, इसीलिए वो इंसान का बच्चा इतना फुर्तीला होता है, लाइक उसका नाम है लोग स्पाइडर रखते हैं और वो बहुत फास्ट होता है गाइस। तो वो चलो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा, कल ही रिलीज होने वाला है जैसे कि आप जानते हो। तो मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, कहीं पर और नहीं। अब गाइस इस मूवी का मैं कास्ट एंड क्रू बताने वाला हूँ, टोटल बजट क्या है एंड अदर फैक्ट्स और डिटेल आप बोल लो वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यार जितनी स्टोरी थी इधर तक थी, सारे स्टोरी मैंने आपको एकदम परफेक्ट से एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप स्किप कर सकते हो इस वीडियो को। या फिर अगर फैक्ट्स जानना है इसके मूवी के और रिलेटेड क्या है, कितने क्या क्या सीन्स होने वाले हैं, कितना अच्छा इसमें सिनेमैटिक ग्राफिक होने वाला है या फिर कितना अच्छा इसका CGI होने वाला है, तो यार मेक श्योर करो आप देखते हो वीडियो को और आगे तक।
सो या मूवी जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से हमें शुरू होते दिखाया जाएगा लाइक अवतार, मतलब पेंडोरा प्लैनेट पे जितने सारे नावी लोग होते हैं वो इंसान को इधर से मार के भगा देते हैं और जो अच्छे दिल वाले इंसान होते हैं उनको रहने के लिए जगह दिया जाता है। तो गाइस उसमें एक बच्चा होता है जो कि बहुत छोटा होता है, वो मतलब स्पेसशिप में पृथ्वी पर नहीं जा सकता, इसलिए जो होते हैं मतलब इधर के नावी लोग वो बहुत रहम दिल वाले होते हैं और जो जैक सोली होता है वो उसको अपना बेटा बना लेता है। और गाइस अब हमें स्टोरी को दिखाया जाता 5-6 साल बीत चुके होते हैं एंड जैक सुली का 3 बेटे हो गए होते हैं। नाइथ्री जो होती है वो भी प्रेग्नेंट होती है और मतलब 4th बेटा इनका होने वाला होता है, मे बी ऐसा कुछ सीन है। तो इनके 3 बेटे होते हैं टोटल जैक सुली और नाइथ्री के। और गाइस अब मान लो 10 साल बीत चुके हैं। अब जैसे को आपको पता ही होगा 10 साल बीतने के बाद जो कॉर्नल होता है वो बहुत ज़्यादा प्लान कर लिया होता है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ पार्ट 1 के अंदर गाइस ऐसा दिखाया गया था उस जहरीले तीर से बस उसे चोट आई थी, वो जो कॉर्नल होता है वो मरा नहीं होता है। अब गाइस असली मूवी स्टार्ट होने वाला है जब कॉर्नल 10 साल बीत जाते हैं, वो अच्छे से जैक सुली भाई का एक होता है टॉम सुली उसका DNA खोजता है और अपने लिए एक अवतार बॉडी डिज़ाइन करता है। तो गाइस आप समझ लो अब जो कैप्टन रहेगा मतलब जर्नल रहेगा वो एक नावी के बॉडी के अंदर घुस गया है एंड पहुंचता है पेंडोरा फिर से अपने अच्छे ट्रूप्स और बहुत खतरनाक हथियार से, और अभी वो एक नावी के रूप में है और इसका प्लान होता है इन सारे मतलब नावी को उधर से मार के भगाने का। और ऐसा ही होता है, ये जो गाइस है जो अभी एक कैप्टन यही बन गया होता है नावी और ये अब प्लान कर लिया होता है कैसे भी करके इन सारे नावी को इनके ये अड्डे पे से भगा देना है। और ये लोग वैसा कर भी लेते हैं क्योंकि इनके पास बहुत खतरनाक वेपन्स होते हैं और अभी अगले इस बार ये लोग अवतार के रूप में होते हैं इसीलिए ये लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ में होते हैं। तो जो कैप्टन होता है आराम से पहले इन्हें मार के भगा देता है। अब जो बचे कुचे नावी होते हैं गाइस वो लोग पहुँचते हैं एक दूसरे मतलब समुद्र के पार एक दूसरे नावी इलाका में, जहाँ पे हमें पता चलता है इस मूवी के अंदर सिर्फ एक प्रजाति नहीं है नावी का, 2-3 अलग अलग कलर्स के प्रजाति होते हैं। तो यार मैं बताना चाहता हूँ ये जो नावी लोग होते हैं ये लोग होते हैं ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन, और अपने जो अवतार लोग थे वो लोग मतलब लाइट ब्लू आपको जैसे कि पता है। तो जब इस ये लोग गांव में पहुंचते हैं ये लोग हेल्प करने के लिए बोलते हैं तो वो गांव वाले सीधा इनकार कर देते हैं और बोलते हैं हम लोगों को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और तुम लोग इधर आना मत क्योंकि तुम्हारे वजह से ये इंसान लोग हमें भी मार देंगे। वो ग्रीन नावी वाले इनकार कर देते हैं इनसे दोस्ती करने में। अब गाइस हमें दिखाया जाता है जो होता है अपना जैक सुली वो उनके सरदार से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, चिरौरी करता है और उसके बाद उनका जो सरदार होता है अग्री कर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है गाइस इधर 2 कैटेगरी के नावी, एक लाइट ग्रीन नावी और एक ब्लू वाले जो नॉर्मल हम लोग जानते हैं, इनके बीच में दोस्ती होती है। और इस मूवी अवतार 2 के अंदर हमें दिखाया जाएगा पहले तो समुद्र के बीच का मतलब समंदर कितना क्वालिटी और कितने अच्छे तरह से समुद्र को दिखाया जाएगा पेंडोरा प्लैनेट का, ये हमें देखना बाकी है। इसीलिए गाइस इस मूवी का नाम भी रखा गया है दी वे ऑफ वाटर। और मैं बताना चाहता हूँ ये जो मूवी आने वाला है 16 दिसंबर 2022 को आने वाला है और 16 दिसंबर ज़्यादा दिन नहीं है, कल ही है, आप लोग जाके थिएटर में एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको समझ में आ गया होगा स्टोरी तो सही है। अब गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ मूवी के अदर डिटेल्स एंड फैक्ट्स, लाइक मूवी में कितना बजट लगा है, कितने ज़्यादा कास्ट एंड क्रूज हैं, वो सारे डिटेल जिसमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपको चाहिए तो सुन सकते हो। अदरवाइज स्टोरी एक्सप्लेनेशन था सिर्फ 8 मिनट तक होता है, मेरे वीडियो में यार ऐसे ही होता है, जान लो यार आपको स्टार्टिंग में पूरे अच्छे से स्टोरी को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, उसके बाद से गाइस मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि यार बहुत लोग होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर नहीं सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ आते हैं स्टोरी के लिए, इसीलिए यार मैं थोड़ा प्लान करके ऐसे वीडियो बनाता हूँ और आपको अच्छा भी लगता है। तो यार अगर ये अच्छा लगता है तो एक और बार मैं बोल रहा हूँ भाई लाइक करना मत भूलना, जल्दी से लाइक कर दो, बहुत अच्छा बात होगा। और चलो जो अवतार 1 था मूवी आया था 2009 के अंदर, जैसे कि आपको बता सकता हूँ मैं ये चुप्पे 2009 के अंदर, और गाइस उस मूवी का बजट था टोटल 23.7 करोड़ USD, मतलब टोटल था 237 मिलियन US डॉलर था, तो बहुत ज़्यादा होता है, और 23 करोड़ USD आप बोल सकते हो तो उतना ज़्यादा था। एंड जो आउटपुट निकला वो तो तुम जानते ही हो, अवतार मूवी का कलेक्शन के बारे में कोई बात ही नहीं करता यार, क्योंकि
मूवी का जो कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड में टॉप वन पे अभी तक स्टैंड करता है। मैं बताना चाहता हूँ यार, देख लो टोटल जो मूवी का कलेक्शन था 2.9 बिलियन US डॉलर अर्न किया इस मूवी ने। एंड बीच में ही आया था एक एवेंजर एंड गेम, मार्वल का भी, मैं मार्वल का भी फ़ैन हूँ, जेम्स कैमरन का भी फ़ैन हूँ, लेकिन यार मार्वल का भी फ़ैन हूँ। तो यार मार्वल वाले ने एंड गेम जब रिलीज़ किए तो वो बीट कर दिया अवतार मूवी को। लाइक पहले अवतार स्टैंड वन पे था, उसे बीट करके अवतार को यार मतलब सेकंड पोजीशन पे ला दिया, और मार्वल जाके फर्स्ट पोजीशन पे स्टैंड कर दिया। लेकिन गाइस फिर से जो चाइना में अवतार वन को ही री रिलीज़ किया गया, तो फिर से इतना ज़्यादा वो अर्निंग किया सिर्फ चाइना से ही, फिर से मूवी जाके टॉप वन हाईएस्ट मतलब हो हाईएस्ट कलेक्शन में फिर से स्टैंड हो गया। एंड फिर से एंड गेम को ना ये सेकंड पोजीशन पे ठेल दिया है। तो या आप जान सकते हो कलेक्शन की बात तो करना ही नहीं है, ये सुपर डुपर वर्ल्ड वाइड हिट है एंड वन ऑफ दी टॉप मोस्ट अर्निंग वीडियो आप बोल सकते हो, टॉप मोस्ट अर्निंग मूवी इन द वर्ल्ड आप बोल सकते हो। एंड आप देखो अभी जो टॉप फोर्स हैं, फोर मूवीज़ हैं जो कि एकदम टॉप वन पे स्टैंड कर रहे हैं वही हैं अवतार 2009 में आया था, और सेकंड पे स्टैंड कर रहा है अवेंजर एंड गेम 2019 में, थर्ड नंबर पे आया था टाइटैनिक 1997। यस गाइस टाइटैनिक कौन नहीं जानता है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजेडी मूवी और लव वाला बहुत अच्छा मूवी है टाइटैनिक। उसके बाद गाइस फोर्थ नंबर पे स्टार वॉर्स एपिसोड सिक्स्थ, स्टार वॉर एपिसोड सेवेंथ द फोर्स अवेकन 2015 में आया था। ये मूवी भी फोर्थ पोजीशन पे स्टैंड करता है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड मोस्ट हाईएस्ट कलेक्शन में। अब गाइस चलो हम लोग अवतार 2 के टोटल बजट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अवतार मूवी जो है उसका टोटल बजट है 25 करोड़ US डॉलर, मतलब 3 करोड़ US डॉलर और ज़्यादा लोग कंपनी वाले इंक्रीज किए हैं, मतलब यू कैन से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स का हाथ है, 3 करोड़ और बढ़ा दो और मूवी अच्छा और हो जाएगी। ऑब्वियसली यार स्टोरी मैटर करता है एंड सीजीआई ग्राफिक्स, तो इसी में ज़्यादा इनका पैसा जाता है जहाँ तक मैं बताऊँ तो। अब यार इसको हम लोग अगर अपने इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा होगा जानते हो, 250 मिलियन US डॉलर होगा। तो आप इसको आप ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो मतलब अवतार 2 के टोटल बजट के ऊपर। अब चलो हम लोग टोटल जितने सारे कैस्ट एंड क्रू हैं, क्यू को मतलब बहुत सारे न्यू रोल भी आए ना मूवी के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। न्यू रोल में है अपने विन डीजल भैया, तो यार विन डीजल फास्ट एंड फ्यूरियस के हीरो, तो यार इस मूवी के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे एंड लेट्स सी उनका क्या सीन होने वाला है। और ये सिर्फ यार जस्ट टीज़र में आ सकते हैं या फिर गाइस जस्ट कैस्ट क्रेडिट्स में आ सकते हैं, या फिर ऐसा भी सीन हो सकता है, हु नोस, कोई सीन इनका हो ही ना, सिर्फ क्रू या फिर थैंक्स ओपनिंग में ही आ सकते हैं, इतना भी हो सकता है। तो यप अब चलो अवतार द वे ऑफ वाटर के कैस्ट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सैम वर्थविंगटन वो प्ले करने वाले हैं जैक सुली का कैरेक्टर, जोए सल्डाना नैथ्रिका सेम रोल प्ले करने वाली हैं, सिगजनी वीवर वो क्री का रोल प्ले करने वाली हैं, केट विंगसलेट रोनल का रोल प्ले करने वाली हैं, और गाइस स्टेफन लैंग कोनेल क्वाट्रिच, ये भाई कोनेल को कौन भूल सकता है यार, ये साला विलन अभी भी जिंदा है पार्ट टू के अंदर, फिर से यार मर के मतलब मौत के मुंह से वापस आ चुका है, तो यार देखते हैं क्या इस बार तबाही मचाने वाला है अंकल जी। उसके बाद विन डीजल का नाम दिया है लेकिन इनका कोई कैरेक्टर नेम नहीं दिया गया है, तो ऑब्वियसली मैं श्योर हूँ इनका सिर्फ क्रेडिट में ही इनका नेम रहेगा, इनका कहीं पे नहीं नेम आने वाला और मूवी के अंदर इनका कोई सीन भी नहीं होने वाला है आई एम श्योर। उसके बाद गाइस माइकल योहुई डॉक्टर करियाना का रोल प्ले करने वाली हैं, आपको पता होगा एक न्यू डॉक्टर इसमें है। और चलो मैं और बहुत सारे जो बच्चे लोग होते हैं जैक सुली के बच्चे होने वाले हैं तो उनका भी नाम मैं बताता हूँ, अभी नहीं अभी बीच में आएंगे तो बताऊँगा। क्लिफ कर्टिस टोनोवारी का रोल प्ले कर रहे हैं एंड गाइस जैक चैम्पियन जेवियर सॉर्को का रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद ओना चालपिन वरांग का रोल प्ले करने वाली हैं, और यह है ना एक न्यू कैरेक्टर यार त्रिनिति ब्लिस तरीक का रोल, एक पता नहीं, हाँ हाँ यही एक न्यू बच्ची है जो कि होने वाली है मूवी के अंदर। उसके बाद माइकल रॉड्रिक, इनका कोई भी कैरेक्टर नेम नहीं दिया गया तो मतलब ये भी वो पोस्ट क्रेडिट सीन में ही दिखाने वाला है माइकल रॉड्रिक। तो गाइस मैंने जैसे बोला इनका कोई भी रोल नहीं प्ले होने वाला है, ये जस्ट एक क्रेडिट सीन में इनका बस आएगा या फिर थैंक्स में आ सकता है इनका नेम। उसके बाद है एक और कैरेक्टर जेमेन फेल्टर नेथमैन का रोल लुक प्ले करने वाले हैं। उसके बाद यार एक और बच्चा आ गया जो कि होने वाला है अपने जैक सुली का, फिलिप गेल्जियो,
औनंकर का रोल है भाई, क्या नाम है यार, खतरनाक नाम दिए हुए, पूरा नावी वाला नाम है इसीलिए इतने खतरनाक खतरनाक नाम है इन लोगों के। और यार इधर हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होगा क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए दो दो मतलब इधर हमें दिखाया जा रहा है। लाइक देख लो, ब्रिटन डेल्टन जो है वो लोक का रोल प्ले करने वाला है, सेम चोल कोलमैन है वो भी लोक का रोल प्ले करने वाला है। तो मे बी गाइस ये ट्विंस हैं, हाँ आई एम श्योर दे आर ट्विंस, एंड जैक सुली का दो ट्विंस बेटे भी होने वाले हैं लगता है इस बार। ये अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर बढ़ते हैं, बेली बेस जो कि सिराया का रोल प्ले कर रही हैं, एंड ये भी लगता है न्यू। इस बार अवतार 2 में देख ही होगी कितने सारे बड़ी फैमिली है यार, मतलब पूरा फैमिली बहुत बड़ा है इन लोगों का, एंड इस बार क्रेजीनेस का लेवल ही लोग पार कर देंगे क्योंकि जैक सुली, नाइथ्री, उसके तीन चार बेटे, उसके बाद गाइस एक और उस तीन चार बेटे में से एक की लव हो जाती है एक और कैरेक्टर से जो कि लाइट ग्रीन जाति से या नावी जाति से, उसका लव होता है यार भाई, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें सीन है। यप चलो हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर देख रहे हैं, वेस स्टूडी। तो ए बी गाइस इनका कैरेक्टर नेम नहीं है, सो देन ही इज़ ऑल्सो गोइंग मे बी नॉट श्योर ए बी मतलब नहीं इनका कैरेक्टर हो सकता है या फिर ये भी पोस्ट क्रेडिट थैंक्स सीन में ही आने वाले हैं। गिवोना रिस्बी, पार्कर सेल्फ्रिज, ये भी भाई एक लगता है रोल है इनका, इनका कैरेक्टर रोल भी दिया गया है तो ऑब्वियसली ये भी होने वाले हैं। उसके बाद एडी फैल्को, जर्नल आदमोर, तो यप आ गई एक और जर्नल, ये भी मतलब भाई ह्यूमन होने वाली है, एंड मतलब कॉर्नल के साथ ही लगता है जर्नल आ गई है, एंड विलन का रोल इनका भी हो सकता है मे बी। जोल डेविड मोरी, नॉर्म स्पेलमैन, ये मे बी गाइस पार्ट 1 के ही कैरेक्टर्स होने वाले हैं, कुछ लोग पार्ट 1 के भी हैं और पार्ट 2 में न्यू न्यू कैरेक्टर्स आने वाले हैं। जेमाइना क्लीमेंट, डॉक्टर लान गार्विन, हाँ तो ये भी न्यू हो सकते हैं लग तो रहा है, न्यू कैरेक्टर हैं। सीजे जोनस मेटेना इंटरप्स, इनका भी पता नहीं यार, इनका कैरेक्टर नेम दिया गया है या फिर हाँ कैरेक्टर नेम दिया गया है तो ये भी हो सकते हैं। मैं बताना चाहता यार, मैं अभी जिस मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये समझ सकते हो यार, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट अर्निंग मूवी है वर्ल्ड का, इसीलिए इसमें जो कैरेक्टर्स में हैं बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उसके बाद जिनका ये भी मतलब बहुत बड़ा एक लिस्ट है, कैरेक्टर लिस्ट तो बहुत बड़ा इनका। एंड गाइस एक इंडियन कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलेंगे मूवी के अंदर, दिलीप राव, जिनका रोल है डॉक्टर मैक्स पटेल। तो लेट्स सी डॉक्टर मैक्स पटेल क्या करने वाले हैं मूवी के अंदर, और ही इज़ फ्रॉम इंडिया। मैट गेराल्ड, कॉर्पल लॉ वेस्ट, पता नहीं भाई इसका नाम आधा नहीं आ रहा है तो मेरे को नहीं पता है कौन सा इनका रोल है। उसके बाद सी सी एच पाउंडर, मोट, ए बी गाइस एक हमें उधर देखने को मिलेंगी नावी। उसके बाद कैस्टन जॉन वारू, ये भी एक नावी है। अलाइसा वेला बेली डिनार्स्क, इनका तो नावी वाला ही नाम लग रहा है, बिल्कुल नावी ये भी हैं। ब्रेंडन कोवेल, माइक सॉर्बी, लेट्स सी इनका थोड़ा अलग सा नाम है तो मे बी ह्यूमन है। स्कारलेट, ये छोटी बच्ची, अभी गाइस हमें डेविड बर्नर दिख रहे हैं, क्रिस्टोफर ट्रॉय, उसके बाद जर्मनी आयरवन, यंग नाइटमैन, ये भी उनका बच्चा ही है गाइस, हाँ ये भी उनका बच्चा ही लगता है। जॉन वेस्ट जूनियर, उसके बाद लेक मैकलिन, नावी का रोल, इनका नावी नामी है मूवी के अंदर, कैरेक्टर के अंदर नावी है। उसके बाद रायन टर्क, यप गाइस मैंने सारे क्रूज को कवर कर लिया, नॉट सारे जो कि मेन स्क्रीन पे प्ले करने वाले उनका मैंने कवर कर लिया है। अब गाइस चलो हम प्रोडक्शन टीम के बारे में देख लेते हैं, कितना अच्छा इनका प्रोडक्शन चल रहा है और कहां कहां पे शूट्स है। अब गाइस इस मूवी के मैं मेन हाइलाइट्स के ऊपर आपको बताने वाला हूं, अवतार द वे ऑफ वाटर, ये डायरेक्टेड बाय जेम्स कैमरियन, जानते हो, स्क्रीन प्ले हैं जेम्स कैमरियन, रिक चाफा एंड अमांडा सिल्वर। उसके बाद स्टोरी जेम्स कैमरियन, रिक जाफा, अमांडा सिल्वर, उसके बाद जॉस फ्रेडमैन और शेन सेलरेना, बेस्ड ऑन कैरेक्टर बाय जेम्स, सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो भी जेम्स नहीं बनाया, नावी के कैरेक्टर्स। उसके बाद स्टारिंग कास्ट जो है, सैम वर्थिंग्ट एज अ नावी और आप बोल सकते हो जैक, उसके बाद जोई सलांदा, जिगोर्नी वीवर, स्टेफन लैंग और केट विंसलेट। सिनेमाटोग्राफिक बाय रसेल कारपेंटर, एडिटेड बाय स्टेफन ई विंक, डेविड बर्नर, जॉन रेफुआ एंड जेम्स कॉर्नर एडिटिंग में भी हेल्प किए हैं, मतलब यार गाइस ही इज़ द लेजेंड गाय, बहुत अच्छी अच्छी उसकी मूवी है लाइक टाइटैनिक्स, उसके बाद टर्मिनेटर्स। म्यूजिक बाय सिमन फ्रैंकलिन, प्रोडक्शन कंपनी कितने हैं देख लो,
लाइट स्टॉर्म एंटरटेनमेंट TSG एंटरटेनमेंट, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है 20th Century Studio। रिलीज डेट है गाइस इस मूवी का December 6, 2022 लंदन में सिर्फ, उसके बाद December 16, 2022 यूनाइटेड स्टेट में। उसके बाद गाइस इस मूवी का रन टाइम है 192 मिनट्स, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ। कंट्री जो है यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज है मूवी का इंग्लिश, एंड ऑफिशियल डब आपको सारे नेशनल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। बजट है मूवी का 350 मिलियन से 400 मिलियन डॉलर के बीच में। और जो प्रोडक्शन है, जैसे कि जानते ही हो, इस मूवी का 2009 में पहला पार्ट आया था, और गाइस मूवी का ना शूटिंग बहुत जल्दी हो गया होता कंप्लीट, और मे बी 2022 के थोड़ा बीच में ही आ गया होता, लेकिन कोविड, जैसे कि मैं बता देता चाहता हूँ, कोविड की वजह से इस मूवी का शूटिंग बहुत डिले हो गया, एंड इसी कारण इस मूवी को भी मतलब डिले में डाल के सारा बंद हो गया, और इसको भी लेट अभी रिलीज़ कर रहे लो। ऑल थ्रू गाइस मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो ए मूवी है, ए होने वाला है सीक्वल पार्ट लाइक अवतार 1 जो प्रीवियस में रिलीज़ हुआ था, अवतार 2 होने वाला है, अवतार 3 एंड गाइस लास्ट अवतार 4। तो यार इतने सारे इस मूवी के अलग अलग पार्ट आने वाले हैं। अब गाइस इस मूवी के मैं मेन हाइलाइट्स के ऊपर आपको बताने वाला हूँ। अवतार द वे ऑफ वाटर, ये डायरेक्टेड बाय जेम्स कैमरियन, जानते हो। स्क्रीन प्ले है जेम्स कैमरियन, रिक जाफा एंड अमांडा सिल्वर। उसके बाद स्टोरी जेम्स कैमरियन, रिक जाफा, अमांडा सिल्वर, उसके बाद जॉस फ्रेडमैन और शेन सेलरेना, बेस्ड ऑन कैरेक्टर बाय जेम्स। सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो भी जेम्स ने ही बनाया, नावी के कैरेक्टर्स। उसके बाद स्टारिंग कास्ट जो है, सैम वर्थिंग एज अ नावी, और आप बोल सकते हो जैक। उसके बाद जोई सलांदा, जिगोर्नी वीवर, स्टेफन लैंग और केट विंसलेट। सिनेमाटोग्राफिक बाय रसेल कारपेंटर, एडिटेड बाय स्टेफन ई विंक, डेविड बर्नर, जॉन रेफुआ एंड जेम्स कॉर्नर एडिटिंग में भी हेल्प किए हैं। मतलब यार गाइस इज द लेजेंड गाय, बहुत अच्छी अच्छी उसकी मूवी है, आप जानते ही हो। वो बहुत ज़्यादा उनसे मनाता है, और एट द एंड एक नावी ही दूसरे नावी की मदद करेगा, जैसे कि आप जानते हो, और वो लोग हेल्प कर लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है गाइस इस प्लैनेट पे, मतलब इस समंदर के नीचे बहुत सारे अलग अलग जानवर होते हैं, और ये सारे नावी मिलके इंटरेक्शन उनसे करते हैं, और युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए इनके साथ ये लोग रहते हैं। और हमें दिखाया जाता है हर तरह के जानवर इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा, जैसे कि आपको पता ही है। और अब एट द एंड जो होता है वो कर्नल होता है, उसको इन लोगों का लोकेशन पता चल गया है। अब ये लोग एक और बार इनके ऊपर हमला बोल देते हैं। अब माइकल रॉड्रिक, तो गाइस मैंने जैसे बोला इनका कोई भी रोल नहीं प्ले होने वाला, ये जस्ट एक क्रेडिट सीन में इनका बस आएगा, या फिर थैंक्स में आ सकता है इनका नेम। उसके बाद है एक और कैरेक्टर जेमेन फेल्टर, नेथमैन का रोल ये लोग प्ले करने वाले हैं। उसके बाद यार एक और बच्चा आ गया जो कि होने वाला है अपने जैक सुली का, फिलिप गेल्जियो औनंग कर का रोल है। भाई क्या नाम है यार, खतरनाक नाम दिए हैं, वे पूरा नावी वाला नाम है, इसीलिए इतने खतरनाक नाम है इन लोगों के। और यार इधर हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होगा, क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए दो मतलब इधर हमें दिखाए जा रहे हैं। लाइक देख लो, ब्रिटन डेल्टन जो है वो लोक का रोल प्ले करने वाला है, सेम चोल कोलमैन है वो भी लोक का रोल प्ले करने वाला है। तो मे बी गाइस ये ट्विंस हैं, हाँ आई एम श्योर दे आर ट्विंस, एंड जैक सुली का दो ट्विंस बेटे भी होने वाले लगता है इस बार। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर बढ़ते हैं, बेली बेस जो कि सिराया का रोल प्ले कर रही हैं, एंड ये भी लगता है न्यू। इस बार अवतार 2 में देख रही होगी कितने सारे बड़ी फैमिली है यार, मतलब पूरा फैमिली बहुत बड़ा है इन लोगों का, एंड इस बार क्रेजीनेस का लेवल ये लोग पार कर देंगे, क्योंकि जैक सुली, नाइथरी, उसके 3-4 बेटे, उसके बाद गाइस एक और उस 3-4 बेटे में से एक की लव हो जाती है एक और कैरेक्टर से, जो कि लाइट ग्रीन जाति से है, नावी जाति से, उसका लव होता है यार भाई, मतलब बहुत गाइस यही मूवी का प्लॉट सीन होने वाला है, क्योंकि हमें दिखाया जाएगा फिर से एक बार नावी और फेक नावी। लाइक पहले बार कैसा हुआ था फाइट, इंसान और नावी के बीच में हुआ था, लेकिन गाइस इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, इस बार होने वाला है नावी और इंसान नावी के बीच में बैटल। तो इसीलिए जो मूवी है बहुत खास होने वाला है, आप जानते हो। और मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। एंड गाइस जो मैं बताने वाला था आपको एक सीक्रेट, एक प्लैनेट पे एक छोटा बच्चा होता है लेकिन वो जा नहीं पाता है अर्थ पे, लाइक जब नावी लोग भेज रहे होते हैं उसे अर्थ पे, वो जा नहीं पाता है, इसलिए जो जैक होता है उसको अपने साथ पैंडोरा पे ही रख लेता है, और वो जो इंसान का बच्चा होता है छोटा सा,
वो भी छोटे से ही ट्रेनिंग इधर मिला रहता है, इसीलिए वो इंसान का बच्चा इतना फुर्तीला होता है, लाइक उसका नाम है लोग स्पाइडर रखते हैं और वो बहुत फास्ट होता है गाइस। तो वो चलो आपको मूवी देखने के बाद पता चला ज्यादा इसमें सीन है। यप, चलो हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर देख रहे हैं, वेस स्टूडी। तो ए बी गाइस इनका कैरेक्टर नेम नहीं है, सो देन ही इज ऑल्सो गोइंग मे बी नॉट श्योर ए बी मतलब नहीं इनका कैरेक्टर हो सकता है, या फिर ए बी पोस्ट क्रेडिट थैंक्स सीन में ही आने वाला है। गिवोना रिस्बी पार्कर सेल्फ्रिज, ये भी भाई एक लगता है रोल है इनका, इनका कैरेक्टर रोल भी दिया गया है तो ऑब्वियसली ये भी होने वाले हैं। उसके बाद एडी फैल्को जर्नल आदमोर, तो यप आ गई एक और जर्नल, ये भी मतलब भाई ह्यूमन होने वाली है एंड मतलब कॉनल के साथ ही लगता है जर्नल आ गई है एंड विलन का रोल इनका भी हो सकता है मे बी। जोल डेविड मोरी नॉर्म स्पेलमैन, ए मे बी गाइस पार्ट वन के ही कैरेक्टर्स होने वाले लाइक टाइटैनिक्स उसके बाद टर्मिनेटर्स। म्यूजिक बाय सिमन फ्रैंकलिन, प्रोडक्शन कंपनी कितने हैं देख लो, लाइट स्टॉर्म एंटरटेनमेंट TSG एंटरटेनमेंट, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है 20th Century स्टूडियो। रिलीज डेट है गाइस इस मूवी का 6 December 2022 लंदन में सिर्फ, उसके बाद 16 December 2022 यूनाइटेड स्टेट में। उसके बाद गाइस इस मूवी का रन टाइम है 192 मिनट्स, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कंट्री जो है यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज है मूवी का इंग्लिश एंड ऑफिशियल डब आपको सारे नेशनल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। बजट है मूवी का 350 मिलियन से 400 मिलियन डॉलर के बीच में, और जो प्रोडक्शन है जैसे कि जानते ही हो इस मूवी का 2009 में पहला पार्ट आया था, और गाइस मूवी का ना शूटिंग बहुत जल्दी हो गया होता कंप्लीट, और मे बी 2022 के थोड़ा बीच में ही आ गया होता, लेकिन कोविड जैसे कि मैं बता देता हूँ चाहता हूँ कोविड की वजह से इस मूवी का शूटिंग बहुत डिले हो गया एंड इसी कारण इस मूवी को भी मतलब डिले में डाल के सारा बंद हो गया, और इसको भी लेट अभी रिलीज़ कर रहे लोग। ऑल थ्रू गाइस मैं बताना चाहता हूँ आपको जो ए मूवी है ए होने वाला है सीक्वल पार्ट लाइक अवतार 1 जो प्रीवियस में रिलीज़ हुआ था, अवतार 2 होने वाला है, अवतार 3 एंड गाइस लास्ट अवतार 4। तो यार इतने सारे इस मूवी के अलग अलग पार्ट आने वाले हैं, लेगा कल ही रिलीज होने वाला है जैसे कि आप जानते हो, तो मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है कहीं पे और नहीं। अब गाइस इस मूवी का मैं कैस्ट एंड क्रू बताने वाला हूँ, टोटल बजट क्या है एंड अदर फैक्ट्स और डिटेल आप बोल लो वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यार जितनी स्टोरी थी इधर तक थी, सारे स्टोरी मैंने आपको एकदम परफेक्ट से एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप स्किप कर सकते हो इस वीडियो को, या फिर अगर फैक्ट्स जानना है इसके मूवी के और रिलेटेड क्या है, कितने क्या क्या सीन्स होने वाले हैं, कितना अच्छा इसमें सिनेमैटिक ग्राफिक होने वाला है या फिर कितना अच्छा इसका CGI होने वाला है, तो या मेक श्योर करो आप देखते हो वीडियो को और आगे तक। सो या मूवी जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से हमें शुरू होते दिखाया जाएगा लाइक अवतार मतलब पैंडोरा प्लैनेट पे जितने सारे नावी लोग होते हैं वो इंसान को इधर से मार के भगा देते हैं, और जो अच्छे दिल वाले इंसान होते हैं उनको रहने के लिए जगह दिया जाता है। तो गाइस उसमें एक बच्चा होता है जो कि बहुत है, कुछ लोग पार्ट 1 के भी हैं और पार्ट 2 में न्यू कैरेक्टर्स आने वाले हैं, जेमाइना क्लीमेंट, डॉक्टर लान गार्विन, हाँ तो ये भी न्यू हो सकते हैं लग तो रहा है न्यू कैरेक्टर हैं, सीजे जोनस मेटेना इंटरप्स, इनका भी पता नहीं यार इनका कैरेक्टर नेम दिया गया है या फिर हाँ कैरेक्टर नेम दिया गया है तो ये भी हो सकते हैं। मैं बताना चाहता यार ये मैं अभी जिस मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये समझ सकते हो यार वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट अर्निंग मूवी है वर्ल्ड का, इसीलिए इसमें जो कैरेक्टर्स में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उसके बाद जिनका ये भी मतलब बहुत बड़ा एक लिस्ट है, कैरेक्टर लिस्ट तो बहुत बड़ा इनका। एंड गाइस एक इंडियन कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलेंगे मूवी के अंदर, दिलीप राव जिनका रोल है डॉक्टर मैक्स पटेल, तो लेट्स सी डॉक्टर मैक्स पटेल क्या करने वाले हैं मूवी के अंदर, और ही इज़ फ्रॉम इंडिया। मैट गेरल्ड कॉर्पल लॉ वेस्ट, पता नहीं भाई इसका नाम आधा नहीं आ रहा है तो मेरे को नहीं पता है कौन सा इनका रोल है। उसके बाद CCH पाउंडर मोट, ये भी गाइस एक हमें उधर देखने को मिलेंगी नावी। उसके बाद कैस्टन जॉन वारू, ये भी एक नावी है। अलाइसा वेला बेली, डिनर छोटा होता है वो मतलब स्पेसशिप में पृथ्वी पे नहीं जा सकता, इसलिए जो होते हैं मतलब इधर के नावी लोग वो बहुत रहम दिल वाले होते हैं, और जो जैक सोली होता है वो उसको अपना बेटा बना लेता है। और गाइस अब हमें स्टोरी को दिखाया जाता है 5-6 साल बीत चुके होते हैं एंड जैक सुली का 3 बेटे हो गए होते हैं, नाइथरी जो होती है वो भी प्रेग्नेंट होती है और मतलब 4th बेटा इनका होने वाला होता है मे बी ऐसा कुछ सीन है। तो इनके 3 बेटे होते हैं टोटल,
जैक, सुली और नाइतरी के। और गाइस अब मान लो 10 साल बीत चुके हैं। अब जैसे को आपको पता ही होगा 10 साल बीतने के बाद जो कॉर्नल होता है वो बहुत ज़्यादा प्लान कर लिया होता है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ पार्ट वन के अंदर गाइस ऐसा दिखाया गया था उस जहरीले तीर से बस उसे चोट आई थी, वो जो कॉर्नल होता है वो मरा नहीं होता है। अब गाइस असली मूवी स्टार्ट होने वाला है। जब कॉर्नल 10 साल बीत जाते हैं वो अच्छे से जैक सुली भाई का एक होता है टॉम सुली, उसका DNA खोजता है और अपने लिए एक अवतार बॉडी डिज़ाइन करता है। तो गाइस आप समझ लो अब जो कैप्टन रहेगा मतलब जर्नल रहेगा वो एक नावी के बॉडी के अंदर घुस गया है एंड पहुंचता है पैंडोरा फिर से अपने अच्छे ट्रूप्स और बहुत खतरनाक खतरनाक इनका तो नावी वाला ही नाम लग रहा है, बिल्कुल नावी ये भी है। ब्रेंडन कोवेल, माइक सॉर्बी, लेट्स सी इनका थोड़ा अलग सा नाम है तो मे बी ह्यूमन है। स्कारलेट, ये छोटी बच्ची। अभी गाइस हमें डेविड बर्नर दिख रहे हैं, क्रिस्टोफर ट्रॉय, उसके बाद जर्मनी आयरवन, यंग नाइटमैन, ये भी उनका बच्चा ही है गाइस, हाँ ये भी उनका बच्चा ही लगता है। जॉन वेस्ट जूनियर, उसके बाद लेक मैकलीन, नावी का रोल, इनका नावी नाम ही है मूवी के अंदर, कैरेक्टर के अंदर नावी है। उसके बाद रायन टर्क। यप गाइस मैंने सारे क्रूज को कवर कर लिया, नॉट सारे जो कि मेन स्क्रीन पे प्ले करने वाले उनका मैंने कवर कर लिया। अब गाइस चलो हम प्रोडक्शन टीम के बारे में देख लेते हैं कितना अच्छा इनका प्रोडक्शन चल रहा है और कहाँ कहाँ पे शूट्स है। अब गाइस इस मूवी के मैं मेन हाइलाइट्स के ऊपर आपको बताने वाला हूँ। अवतार द वे ऑफ वाटर, ये डायरेक्टेड बाय जेम्स कैमरियन, जानते हो। स्क्रीन प्ले हैं जेम्स कैमरियन, रिक जाफा एंड अमांडा सिल्वर। उसके बाद स्टोरी जेम्स कैमरियन, रिक जाफा, अमांडा सिल्वर। उसके बाद जॉस फ्रेडमैन और शेन सेलरेना, बेस्ड ऑन कैरेक्टर बाय जेम्स। सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो भी जेम्स ने ही बनाए, नावी के कैरेक्टर्स। उसके बाद स्टारिंग कैश जो है सैम वर्थरूप में होते हैं, इसीलिए ये लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ में होते हैं। तो जो कैप्टन होता है आराम से पहले इन्हें मार के भगा देता है। अब जो बचे कुछ नावी होते हैं गाइस वो लोग पहुंचते हैं एक दूसरे मतलब समुद्र के पार एक दूसरे नावी इलाका में, जहां पे हमें पता चलता है इस मूवी के अंदर सिर्फ एक प्रजाति नहीं है नावी का, दो तीन अलग अलग कलर्स के प्रजाति होते हैं। तो यार मैं बताना चाहता हूं ये जो नावी लोग होते हैं ये लोग होते हैं ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन, और अपने जो अवतार लोग थे वो लोग मतलब लाइट ब्लू, आपको जैसे कि पता है। तो जब इस ये लोग गांव में पहुंचते हैं ये लोग हेल्प करने के लिए बोलते हैं तो वो गांव वाले सीधा इनकार कर देते हैं और बोलते हैं हम लोगों को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और तुम लोग इधर आना मत क्योंकि तुम्हारे वजह से ये इंसान लोग हमें भी मार देंगे। वो ग्रीन नावी वाले इन थिंक एज अ नावी और आप बोल सकते हो जैक। उसके बाद जोई सलांदा, जिगोर्नी वीवर, स्टेफन लैंग और केट विंसलेट। सिनेमाटोग्राफिक बाई रसेल कारपेंटर, एडिटेड बाई स्टेफन ई विंक, डेविड बर्नर, जॉन रेफुआ एंड जेम्स कॉर्नर, एडिटिंग में भी हेल्प किए हैं। मतलब यार गाइस इज द लेजेंड गाई, बहुत अच्छी अच्छी उसकी मूवी है लाइक टाइटैनिक्स, उसके बाद टर्मिनेटर्स। म्यूजिक बाय सिमन फ्रैंकलिन, प्रोडक्शन कंपनी कितने हैं देख लो, लाइट स्टॉर्म एंटरटेनमेंट, TSG एंटरटेनमेंट, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है 20th Century स्टूडियो। रिलीज डेट है गाइस इस मूवी का 6 December 2022 लंदन में सिर्फ, उसके बाद 16 December 2022 यूनाइटेड स्टेट में। उसके बाद गाइस इस मूवी का रन टाइम है, इनकार कर देते हैं इनसे दोस्ती करने में। अब गाइस हमें दिखाया जाता है जो होता है अपना जैक सुली, वो उनके सरदार से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, चिरौरी करता है, और उसके बाद उनका जो सरदार होता है अग्री कर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है गाइस इधर दो कैटेगरी के नावी, एक लाइट ग्रीन नावी और एक ब्लू वाले जो नॉर्मल हम लोग जानते हैं, इनके बीच में दोस्ती होती है। और इस मूवी अवतार 2 के अंदर हमें दिखाया जाएगा पहले तो समंदर के बीच का मतलब समंदर कितना क्वालिटी और कितने अच्छे तरह से समंदर को दिखाया जाएगा पेंडोरा प्लैनेट का, ये हमें देखना बाकी है। इसीलिए गाइस इस मूवी का नाम भी रखा गया है दी वे ऑफ वाटर। और मैं बताना चाहता हूँ ये जो मूवी आने वाला है 16 दिसंबर 2022 को आने वाला है, और 16 दिसंबर ज़्यादा दिन नहीं है, कल ही है, आप लोग जाके थिएटर में एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको समझ में आ गया होगा स्टोरी तो सही है। 192 मिनट्स, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, कंट्री जो है यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज है मूवी का इंग्लिश एंड ऑफिशियल डब आपको सारे नेशनल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। बजट है मूवी का 350 मिलियन से $400 मिलियन के बीच में।
और जो प्रोडक्शन है जैसे कि जानते ही हो, इस मूवी का 2009 में पहला पार्ट आया था। और गाइस मूवी का ना शूटिंग बहुत जल्दी हो गया होता कंप्लीट, और में भी 2022 के थोड़ा बीच में ही आ गया होता, लेकिन कोविड, जैसे कि मैं बता देता चाहता हूँ, कोविड की वजह से इस मूवी का शूटिंग बहुत डिले हो गया एंड इसी कारण इस मूवी को भी मतलब डिले में डाल के सारा बंद हो गया और इसको भी लेट अभी रिलीज़ कर रहे लोग। ऑल थ्रू गाइस मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो ए मूवी है ए होने वाला है सीक्वल पार्ट लाइक अवतार 1 जो प्रीवियस में रिलीज़ हुआ था, अवतार 2 होने वाला है, अवतार 3 एंड गाइस लास्ट अवतार 4। तो यार इतने सारे इस मूवी के अलग अलग पार्ट आने वाले हैं हथियार से, और अभी वो एक नावी के रूप में है और इसका प्लान होता है इन सारे मतलब नावी को उधर से मार के भगाने का, और ऐसा ही होता है। ये जो गाइस है जो अभी ए कैप्टन यही बन गया होता है नावी, और ये अब प्लान कर लिया होता है कैसे भी करके इन सारे नावी को इनके ये अड्डे पे से भगा देना है, और ये लोग वैसा कर भी लेते हैं क्योंकि इनके पास बहुत खतरनाक वेपन्स होते हैं। और अभी अगले इस बार ये लोग अवतार के, अब गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ मूवी के अदर डिटेल्स एंड फैक्ट्स, लाइक मूवी में कितना बजट लगा है, कितने ज़्यादा कास्ट एंड क्रूज हैं, वो सारे डिटेल जिसमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपको चाहिए तो सुन सकते हो। अदरवाइज स्टोरी एक्सप्लेनेशन था, सिर्फ 8 मिनट तक होता है, मेरे वीडियो में यार ऐसे ही होता है, जान लो यार आपको स्टार्टिंग में पूरे अच्छे से स्टोरी को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, उसके बाद से गाइस मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि यार बहुत लोग होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर नहीं सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ आते हैं स्टोरी के लिए, इसीलिए यार मैं थोड़ा प्लान करके ऐसे वीडियो बनाता हूँ और आपको अच्छा भी लगता है। तो यार अगर ये अच्छा लगता है तो एक और बार मैं बोल रहा हूँ भाई, लाइक करना मत भूलना, जल्दी से लाइक कर दो, बहुत अच्छा बात होगा। और चलो जो अवतार 1 था मूवी आया था 2009 के अंदर, जैसे कि आपको बता सकता हूँ मैं ये चुप्पे 2009 के अंदर, और गाइस उस मूवी का बजट था टोटल 23.7 करोड़ USD, मतलब टोटल था 237 मिलियन US डॉलर था, तो बहुत ज़्यादा होता है, और 23 करोड़ USD आप बोल सकते हो तो उतना ज़्यादा था। एंड जो आउटपुट निकला वो तो तुम जानते ही हो, अवतार मूवी का कलेक्शन के बारे में कोई बात ही नहीं करता यार, क्योंकि मूवी का जो कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड में टॉप 1 पे अभी तक स्टैंड करता है। मैं बताना चाहता हूँ यार देख लो, टोटल जो मूवी का कलेक्शन था 2.9 बिलियन US डॉलर अर्न किया इस मूवी ने, एंड बीच में ही आया था एक एवेंजर एंड गेम, मार्वल का भी, मैं मार्वल का भी फ़ैन हूँ, जेम्स कैमरन का भी फ़ैन हूँ, लेकिन यार मार्वल का भी फ़ैन हूँ, तो यार मार्वल वाले जानते ही हो वो बहुत ज़्यादा उनसे मनाता है, और एट द एंड एक नावी ही दूसरे नावी की मदद करेगा जैसे कि आप जानते हो, और वो लोग हेल्प कर लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है गाइस इस प्लैनेट पे मतलब इस समंदर के नीचे बहुत सारे अलग अलग जानवर होते हैं, और ये सारे नावी मिलके इंटरेक्शन उनसे करते हैं और युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए इनके साथ ये लोग रहते हैं। तो एंड गेम जब रिलीज़ किए तो वो बीट कर दिया अवतार मूवी को, लाइक पहले अवतार स्टैंड 1 पे था, उसे बीट करके अवतार को यार मतलब सेकेंड पोजिशन पर ला दिया, और मार्वल जाके फर्स्ट पोजिशन पर स्टैंड कर दिया। लेकिन गाइस फिर से जो चाइना में अवतार 1 को ही री रिलीज़ किया गया, तो फिर से इतना ज़्यादा वो अर्निंग किया सिर्फ चाइना से ही हीरो, तो यार इस मूवी के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे, एंड लेट्स सी उनका क्या सीन होने वाला है। और ये सिर्फ यार जस्ट टीज़र में आ सकते हैं, या फिर गाइस जस्ट कैस्ट क्रेडिट्स में आ सकते हैं, या फिर ऐसा भी सीन हो सकता है, हु नोस, कोई सीन इनका हो ही ना, सिर्फ क्रू या फिर थैंक्स ओपनिंग में ही आ सकते हैं, इतना भी हो सकता है। तो यार अब चलो अवतार द वे ऑफ वाटर के कैस्ट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सैम वर्थविंगटन वो प्ले करने वाले हैं जैक सुली का कैरेक्टर, जोए सल्डाना नाइथ्री का सेम रोल प्ले करने वाली हैं, सिग जॉनी वीवर वो किरी का रोल प्ले करने वाली हैं, केट विंगसलेट रोनल का रोल प्ले, और हमें दिखाया जाता है हर तरह के जानवर इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा जैसे कि आपको पता ही है। और अब एट द एंड जो होता है वो कर्नल होता है, उसको इन लोगों का लोकेशन पता चल गया है, अब ये लोग एक और बार इनके ऊपर हमला बोल देते हैं। अब गाइस यही मूवी का प्लॉट सीन होने वाला है, क्योंकि हमें दिखाया जाएगा फिर से एक बार नावी और फेक नावी, लाइक पहले बार कैसा हुआ था फाइट इंसान और नावी के बीच में हुआ था, लेकिन गाइस इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, इस बार होने वाला है नावी और इंसान नावी के बीच में बैटल, तो इसीलिए जो मूवी है बहुत खास होने वाला है आप जानते हो। और मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो करने वाली हैं। और गाइस स्टेफन लैंग कोनेल क्वाट्रिच, ये भाई कोनेल को कौन भूल सकता है यार, ये साला विलन अभी भी जिंदा है, पार्ट 2 के अंदर फिर से यार मर के मतलब मौत के मुंह से वापस आ चुका है, तो यार देखते हैं क्या इस बार तबाही मचाते हो। एंड अब देखो
अभी जो टॉप फोर्स हैं, फोर मूवीज़ हैं जो कि एकदम टॉप वन पे स्टैंड कर रहे हैं, वही हैं अवतार 2009 में आया था, और सेकंड पे स्टैंड कर रहा है अवेंजर एंडगेम 2019 में, थर्ड नंबर पे आया था टाइटैनिक 1997। यस गाइस, टाइटैनिक कौन नहीं जानता है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजेडी मूवी और लव वाला बहुत अच्छा मूवी है टाइटैनिक। उसके बाद गाइस फोर्थ नंबर पे स्टार वॉर्स एपिसोड सिक्स्थ, स्टार वॉर एपिसोड सेवेंथ द फोर्स अवेकन 2015 में आया था। ये मूवी भी फोर्थ पोजीशन पे स्टैंड करता है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड मोस्ट हाईएस्ट कलेक्शन में। अब गाइस चलो हम लोग अवतार 2 के टोटल बजट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अवतार मूवी जो है उसका टोटल बजट है 25 करोड़ US डॉलर, मतलब 3 करोड़ US डॉलर और ज़्यादा लोग कंपनी वाले इंक्रीज़ किए हैं, मतलब यू कैन से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स का हाथ है टीम के अंदर। एंड गाइस जो मैं बताने वाला था आपको एक सीक्रेट, एक प्लैनेट पे एक छोटा बच्चा होता है लेकिन वो जा नहीं पाता है अर्थ पे, लाइक जब नावी लोग भेज रहे होते हैं उसे अर्थ पे, वो जा नहीं पाता है, इसलिए जो जैक होता है उसको अपने साथ पैंडोरा पे ही रख लेता है, और वो जो इंसान का बच्चा होता है छोटा सा, वो भी छोटे से ही ट्रेनिंग इधर मिला रहता है, इसीलिए वो इंसान का बच्चा इतना फुर्तीला होता है, लाइक उसका नाम है लोग स्पाइडर रखते हैं, और वो बहुत फास्ट होता है गाइस। तो वो चलो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा, कल ही रिलीज होने वाला है जैसे कि आप जानते हो, तो मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, कहीं पर और नहीं। अब गाइस इस मूवी का मैं कास्ट एंड क्रू बताने वाला हूँ, टोटल बजट क्या है एंड अदर फैक्ट्स और डिटेल आप बोल लो वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यार जितनी स्टोरी थी इधर तक थी, सारे स्टोरी मैंने आपको एकदम परफेक्ट से एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप स्किप कर सकते हो इस वीडियो को, या फिर अगर फैक्ट्स जानना है इसके मूवी के और रिलेटेड क्या है, कितने क्या क्या सीन्स होने वाले हैं, कितना अच्छा इसमें सिनेमैटिक ग्राफिक होने वाला है, या फिर कितना अच्छा इसका सीन और बढ़ा दो और मूवी अच्छा और हो जाएगी, ऑब्वियसली यार स्टोरी मैटर करता है एंड CGI ग्राफिक्स, तो इसी में ज़्यादा इनका पैसा जाता है जहाँ तक मैं बताऊँ तो। अब यार इसको हम लोग अगर अपने इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा होगा जानते हो, 250 मिलियन US डॉलर होगा। तो आप इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब अवतार 2 के टोटल बजट के ऊपर। अब चलो हम लोग टोटल जितने सारे कैस्ट एंड क्रू हैं, क्यू को मतलब बहुत सारे न्यू रोल भी आए ना मूवी के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। न्यू रोल में है अपने विन डीजल भैया, तो यार विन डीजल फास्ट एंड फ्यूरियस करने वाला है अंकल जी। उसके बाद विन डीजल का नाम दिया है लेकिन इनका कोई कैरेक्टर नेम नहीं दिया गया है, तो ऑब्वियसली मैं श्योर हूँ इनका सिर्फ क्रेडिट में ही इनका नेम रहेगा, इनका कहीं पे नहीं नेम आने वाला है, और मूवी के अंदर इनका कोई सीन भी नहीं होने वाला है आई एम श्योर। उसके बाद गाइस माइकल योही डॉक्टर करियाना का रोल प्ले करने वाली हैं, आपको पता होगा एक न्यू डॉक्टर इसमें है, और चलो मैं बहुत सारे जो बच्चे लोग होते हैं जैक सुली के बच्चे होने वाले हैं तो उनका भी नाम मैं बताता हूँ, अभी नहीं अभी बीच में आएंगे तो बताऊंगा। क्लिफ कर्टिस टोनोवारी का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड गाइस जैक चैम्पियन जेवियर सॉर्को का रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद ओना चालपिन वरांग का रोल प्ले करने वाली हैं, और यह है एक न्यू कैरेक्टर यार त्रिनिति ब्लिस तरीक का रोल, पता नहीं हाँ यही एक न्यू बच्ची है जो कि होने वाली है मूवी के अंदर। उसके बाद माइकल रॉड्रिक, इनका कोई भी कैरेक्टर नेम नहीं दिया गया तो मतलब ये भी वो पोस्ट क्रेडिट सीन में ही दिखाने वाला है, फिर से मूवी जाके टॉप वन हाईएस्ट मतलब हो हाईएस्ट कलेक्शन में फिर से स्टैंड हो गया, एंड फिर से एंड गेम को ना इस सेकंड पोजीशन पे ठेल दिया है। तो या आप जान सकते हो कलेक्शन की बात तो करना ही नहीं है, ये सुपर डुपर वर्ल्ड वाइड हिट है एंड वन ऑफ द टॉप मोस्ट अर्निंग वीडियो आप बोल सकते हो, टॉप मोस्ट अर्निंग मूवी इन द वर्ल्ड आप बोल सकते हो, CGI होने वाला है। तो या मेक श्योर करो आप देखते हो वीडियो को और आगे तक। सो मूवी जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से हमें शुरू होते दिखाया जाएगा लाइक अवतार मतलब पैंडोरा प्लैनेट पे जितने सारे नावी लोग होते हैं वो इंसान को इधर से मार के भगा देते हैं, और जो अच्छे दिल वाले इंसान होते हैं उनको रहने के लिए जगह दिया जाता है। तो गाइस उसमें एक बच्चा होता है जो कि बहुत छोटा होता है, वो मतलब स्पेसशिप में पृथ्वी पर नहीं जा सकता, इसलिए जो होते हैं मतलब इधर के नावी लोग वो बहुत रहम दिल वाले होते हैं, और जो जैक सोली होता है वो उसको अपना बेटा बना लेता है। और गाइस अब हमें स्टोरी को दिखाया जाता है 5-6 साल बीत चुके होते हैं एंड जैक सुली का 3 बेटे हो गए होते हैं, नाइथरी जो होती है वो भी प्रेग्नेंट होती है, और मतलब 4th बेटा इनका होने वाला होता है मे बी ऐसा कुछ सीन है। तो इनके 3 बेटे होते हैं टोटल जैक सुली और नाइथरी के, और गाइस अब मान लो 10 साल बीत चुके हैं। अब जैसे कि आपको पता ही होगा 10 साल बीतने के बाद जो कॉर्नल होता है वो बहुत ज़्यादा प्लान कर लिया होता है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ Part 1 के अंदर गाइस ऐसा दिखाया गया था उस जहरीले तीर से बस उसे चोट आई थी, वो जो कॉर्नल होता है वो मरा नहीं होता है। अब गाइस असली मूवी स्टार्ट होने वाला है, जब कॉर्नल
10 साल बीत जाते हैं, वो अच्छे से जैक सुली भाई का एक होता है टॉम सुली, उसका डीएनए खोजता है और अपने लिए एक अवतार बॉडी डिज़ाइन करता है। तो गाइस आप समझ लो, अब जो कैप्टन रहेगा मतलब जर्नल रहेगा वो एक नावी के बॉडी के अंदर घुस गया है एंड पहुंचता है पैंडोरा फिर से अपने अच्छे ट्रूप्स और बहुत खतरनाक। अब गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ मूवी के अदर डिटेल्स एंड फैक्ट्स, लाइक मूवी में कितना बजट लगा है, कितने ज़्यादा कास्ट एंड क्रूज हैं, वो सारे डिटेल जिसमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपको चाहिए तो सुन सकते हो। अदरवाइज स्टोरी एक्सप्लेनेशन था, सिर्फ 8 मिनट तक होता है, मेरे वीडियो में यार ऐसे ही होता है, जान लो यार। आपको स्टार्टिंग में पूरे अच्छे से स्टोरी को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, उसके बाद से गाइस मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि यार बहुत लोग होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर नहीं सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ आते हैं स्टोरी के लिए, इसीलिए यार मैं थोड़ा प्लान करके ऐसे वीडियो बनाता हूँ और आपको अच्छा भी लगता है। तो यार अगर ये अच्छा लगता है तो एक और बार मैं बोल रहा हूँ भाई, लाइक करना मत भूलना, जल्दी से लाइक कर दो, बहुत अच्छा बात होगा। और चलो, जो अवतार वन था मूवी आया था 2009 के अंदर, जैसे कि आपको बता सकता हूँ मैं, ये चुप्पे 2009 के अंदर, और गाइस उस मूवी का बजट था टोटल 23.7 करोड़ USD, मतलब टोटल था 237 मिलियन US डॉलर था, तो बहुत ज़्यादा होता है, और 23 करोड़ USD आप बोल सकते हो तो उतना ज़्यादा था। एंड जो आउटपुट निकला वो तो तुम जानते ही हो, अवतार मूवी का कलेक्शन के बारे में कोई बात ही नहीं करता यार, क्योंकि मूवी का जो कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड में टॉप वन पे अभी तक स्टैंड करता है। मैं बताना चाहता हूँ यार, देख लो टोटल जो मूवी का कलेक्शन था 2.9 बिलियन US डॉलर अर्न किया इस मूवी ने, एंड बीच में ही आया था माइकल रॉड्रिक। तो गाइस मैंने जैसे बोला इनका कोई भी रोल नहीं प्ले होने वाला है, ये जस्ट एक क्रेडिट सीन में इनका बस आएगा या फिर थैंक्स में आ सकता है इनका नेम। उसके बाद आया एक और कैरेक्टर जेमिन फाल्कर, नेथमैन का रोल लुक प्ले करने वाले हैं। उसके बाद यार एक और बच्चा आ गया जो कि होने वाला है अपने जैक सुली का, फिलिप गेल्जियो औनंग कर का रोल है, भाई क्या नाम है यार, खतरनाक नाम दिए हुए, पूरा नावी वाला नाम है इसीलिए इतने खतरनाक नाम है इन लोगों के। और यार इधर हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होगा क्योंकि हथियार से और अभी वो एक नावी के रूप में है, और इसका प्लान होता है इन सारे मतलब नावी को उधर से मार के भगाने का, और ऐसा ही होता है। ये जो गाइस है जो अभी ये कैप्टन यही बन गया होता है नावी, और ये अब प्लान कर लिया होता है कैसे भी करके इन सारे नावी को इनके ये अड्डे पे से भगा देना है, और ये लोग वैसा कर भी लेते हैं क्योंकि इनके पास बहुत, एक एवेंजर एंड गेम मार्वल का भी, मैं मार्वल का भी फ़ैन हूँ, जेम्स कैमरन का भी फ़ैन हूँ, लेकिन यार मार्वल का भी फ़ैन हूँ। तो यार मार्वल वाले ने एंड गेम जब रिलीज़ किए तो वो बीट कर दिया अवतार मूवी को, लाइक पहले अवतार स्टैंड वन पे था उसे बीट करके अवतार को यार मतलब सेकंड पोजीशन पे ला दिया, और मार्वल जाके फर्स्ट पोजीशन पे स्टैंड कर दिया। लेकिन गाइस फिर से जो चाइना में अवतार वन को ही री रिलीज़ किया गया, तो फिर से इतना ज़्यादा वो अर्निंग किया सिर्फ चाइना से ही, फिर से मूवी जाके टॉप वन हाईएस्ट मतलब हो हाईएस्ट कलेक्शन में फिर से स्टैंड हो गया, एंड फिर से एंड गेम को ना ये सेकंड पोजीशन पे ठेल दिया है। तो या आप जान सकते हो कलेक्शन की बात तो करना ही नहीं है, ये सुपर डुपर वर्ल्ड वाइड हिट है एंड वन ऑफ दी टॉप मोस्ट अर्निंग वीडियो आप बोल सकते हो, टॉप मोस्ट अर्निंग मूवी इन द वर्ल्ड आप बोल सकते हो। एंड अब देखो अभी जो टॉप फोर मूवीज़ हैं जो कि एकदम टॉप वन पे स्टैंड कर रहे हैं वही है अवतार 2009 में आया था, और सेकेंड पे स्टैंड कर रहा है अवेंजर एंड गेम 2019 में, थर्ड नंबर पे आया था टाइटैनिक 1997। यस गाइस टाइटैनिक कौन नहीं जानता है, खतरनाक वेपन्स होते हैं, और अभी अगले इस बार ये लोग अवतार के रूप में होते हैं इसीलिए ये लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ में होते हैं, तो जो कैप्टन होता है आराम से पहले इन्हें मार के भगा देता है। अब जो बचे कुचे नावी होते हैं गाइस वो लोग पहुँचते हैं एक दूसरे मतलब समंदर के पार एक दूसरे नावी इलाका में, जहाँ पे हमें पता चलता है इस मूवी के अंदर सिर्फ एक प्रजाति नहीं है नावी का, दो तीन अलग अलग कलर्स के प्रजाति होते हैं। तो यार मैं बताना चाहता हूँ ये जो नावी लोग होते हैं ये लोग होते हैं ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन। एक कैरेक्टर के लिए दो दो मतलब इधर हमें दिखाया जा रहा है, लाइक देख लो ब्रिटन डेल्टन जो है वो लोक का रोल प्ले करने वाला है, सेम चोल कोलमैन है वो भी लोक का रोल प्ले करने वाला है, तो मे बी गाइस ये ट्विंस हैं, हाँ आई एम श्योर दे आर ट्विंस, एंड जैक सुली का दो ट्विंस बेटे भी होने वाले लगता है इस बार। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर बढ़ते हैं, बेली बेस जो कि सिराया का रोल प्ले कर रही हैं, एंड ये भी लगता है न्यू। इस बार अवतार 2 में देख रही होगी कितने सारे बड़ी फैमिली है यार, मतलब पूरा वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटजी मूवी और लव वाला बहुत अच्छा मूवी है टाइटैनिक।
उसके बाद गाइस फोर्थ नंबर पे स्टार वॉर्स एपिसोड सिक्स्थ, स्टार वॉर एपिसोड सेवेंथ द फोर्स अवेकन 2015 में आया था। ये मूवी भी फोर्थ पोजीशन पे स्टैंड करता है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड मोस्ट हाईएस्ट कलेक्शन में। अब गाइस चलो हम लोग अवतार 2 के टोटल बजट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अवतार मूवी जो है उसका टोटल बजट है 25 करोड़ US डॉलर, मतलब 3 करोड़ US डॉलर और ज़्यादा। फैमिली बहुत बड़ा है इन लोगों का एंड इस बार क्रेजीनेस का लेवल ये लोग पार कर देंगे, क्योंकि जैक सुली नाइथरी, उसके 3-4 बेटे, उसके बाद गाइस एक और उस 3-4 बेटे में से एक की लव हो जाती है एक और कैरेक्टर से, जो कि लाइट ग्रीन जाति से या नावी जाति से उसका लव होता है यार भाई, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें सीन है। यप, चलो हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर देख रहे हैं, वेस स्टूडी। तो ए बी गाइस इनका कैरेक्टर नेम नहीं है, सो देन ही इज़ ऑल्सो गोइंग मे बी नॉट श्योर ए बी मतलब नहीं इनका कैरेक्टर हो सकता है, या फिर ये भी पोस्ट क्रेडिट थैंक्स सीन में ही आने वाले हैं। गिवोना रिस्बी, पार्कर सेल्फ्रिज, ये भी भाई एक लगता है रोल है इनका, इनका कैरेक्टर रोल भी दिया गया है तो ऑब्वियसली ये भी होने वाले हैं। उसके बाद एडी फैल्को, जर्नल आदमोर, तो यप आ गई एक और जर्नल, ये भी मतलब भाई ह्यूमन होने वाली है एंड मतलब कोनल के साथ ही लगता है जर्नल आ गई है एंड विलन का रोल। लोग कंपनी वाले इंक्रीज किए हैं, मतलब यू कैन से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स का हाथ है, 3 करोड़ और बढ़ा दो और मूवी अच्छा और हो जाएगी ऑब्वियसली यार, स्टोरी मैटर करता है एंड सीजीआई ग्राफिक्स, तो इसी में ज़्यादा इनका पैसा जाता है जहां तक मैं बताऊं तो। अब यार इसको हम लोग अगर अपने इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा होगा जानते हो, 250 मिलियन US डॉलर होगा। तो आप इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब अवतार 2 के टोटल बजट के ऊपर। अब चलो हम लोग टोटल जितने सारे कैस्ट एंड क्रू हैं, क्यू को मतलब बहुत सारे न्यू रोल भी आए ना मूवी के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। न्यू रोल में है अपने विन डीजल भैया, तो यार विन डीजल फास्ट एंड फ्यूरियस के हीरो, तो यार इस मूवी के अंदर भी आपको देखने को मिले। और अपने जो अवतार लोग थे वो लोग मतलब लाइट ब्लू, आपको जैसे कि पता है। तो जब इस ये लोग गांव में पहुंचते हैं, ये लोग हेल्प करने के लिए बोलते हैं, तो वो गांव वाले सीधा इनकार कर देते हैं और बोलते हैं हम लोगों को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और तुम लोग इधर आना मत, क्योंकि तुम्हारे वजह से ये इंसान लोग हमें भी मार देंगे। इनका भी हो सकता है मे बी। जोल डेविड मोरी, नॉर्म स्पेलमैन, ये मे बी गाइस पार्ट 1 के ही कैरेक्टर्स होने वाले हैं, कुछ लोग पार्ट 1 के भी हैं और पार्ट 2 में न्यू कैरेक्टर्स आने वाले हैं। जेमाइना क्लीमेंट, डॉक्टर लान गार्विन, हाँ तो ये भी न्यू हो सकते हैं, लग तो रहा है न्यू कैरेक्टर हैं। सीजे जोनस मेटेना इंटरप्स, इनका भी पता नहीं यार, इनका कैरेक्टर नेम दिया गया है या फिर हाँ कैरेक्टर नेम दिया गया है, तो ये भी हो सकते हैं। मैं बताना चाहता यार, ये मैं अभी जिस मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये समझ सकते हो यार, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट अर्निंग मूवी है वर्ल्ड का, इसीलिए इसमें जो कैरेक्टर्स में हैं बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उसके बाद जिनका ये भी मतलब बहुत बड़ा एक लिस्ट है, कैरेक्टर लिस्ट तो बहुत बड़ा इनका। एंड गाइस एक इंडियन कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलेंगे मूवी के अंदर, दिलीप राव, जिनका रोल है डॉक्टर मैक्स पटेल, तो लेट्स सी डॉक्टर मैक्स पटेल क्या करने वाले हैं मूवी के अंदर, और ही इज़ फ्रॉम इंडिया। मैट गैरल्ड, कॉर्पल लॉ वेस्ट, पता नहीं भाई इसका नाम आधा नहीं आ रहा है तो मेरे को नहीं पता है कौन सा इनका रोल है। उसके बाद CCH पाउंडर मोट, ये भी गाइस एक हमें उधर देखने को मिलेंगी नावी। उसके बाद कैस्टन जॉन वारू, ये भी एक नावी है। अलाइसा वेला बेली डिनार्स्क, इनका तो नावी वाला ही नाम लग रहा है, बिल्कुल नावी ये भी है। ब्रेंडन कोवेल, माइक सॉर्बी, लेट्स सी इनका थोड़ा आप जानते ही हो, वो बहुत ज़्यादा उनसे मनाता है और एट द एंड एक नावी ही दूसरे नावी की मदद करेगा जैसे कि आप जानते हो, और वो लोग हेल्प कर लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है गाइस इस प्लैनेट पे, मतलब इस समंदर के नीचे बहुत सारे अलग अलग जानवर होते हैं और ये सारे नावी मिलके इंटरेक्शन उनसे करते हैं और युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए इनके साथ ये लोग रहते हैं। और हमें दिखाया जाता है हर तरह के जानवर इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा जैसे कि आपको पता ही है। और अब एट द एंड जो होता है वो होने वाली है सिगजनी वीवर, वो किरी का रोल प्ले करने वाली हैं। केट विंग्सलेट रोनल का रोल प्ले करने वाली हैं। और गाइस स्टेफन लैंग कोनल क्वैटरिच, ये भाई कोनल को कौन भूल सकता है यार, ये साला विलन अभी भी जिंदा है पार्ट 2 के अंदर, फिर से यार मर के मतलब मौत के मुंह से वापस आ चुका है।
तो यार देखते हैं क्या इस बार तबाही मचाने वाला है अंकल जी। उसके बाद विन डीजल का नाम दिया है लेकिन इनका कोई कैरेक्टर नेम नहीं दिया गया है, तो ऑब्वियसली मैं श्योर हूँ इनका सिर्फ क्रेडिट में ही इनका नेम रहेगा, इनका कहीं पे नहीं नेम आने वाला और मूवी के अंदर इनका कोई सीन भी नहीं होने वाला है आई एम श्योर। उसके बाद गाइस माइकल योही डॉक्टर करियाना का रोल प्ले करने वाली हैं। आपको पता होगा एक न्यू डॉक्टर इसमें है, और चलो मैं, और बहुत सारे जो बच्चे लोग होते हैं जैक सुली के बच्चे होने वाले हैं तो उनका भी नाम मैं बताता हूँ, अभी नहीं अभी बीच में आएंगे तो बताऊँगा। क्लिफ कर्टिस टोनोवारी का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड गाइस जैक चैम्पियन जेवियर सॉर्को का रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद ओना चालपिन वरांग का रोल प्ले करने वाली हैं, और यह है एक न्यू कैरेक्टर यार त्रिनिति ब्लिस तरीक का रोल, एक पता नहीं, हाँ हाँ यही एक न्यू बच्ची है जो कि होने वाली है मूवी के अंदर। उसके बाद माइकल रॉड्रिक, इनका कोई भी कैरेक्टर नेम नहीं दिया गया तो मतलब ये भी वो पोस्ट क्रेडिट सीन में ही दिखाने वाला है। कर्नल होता है उसको इन लोगों का लोकेशन पता चल गया है, अब ये लोग एक और बार इनके ऊपर हमला बोल देते हैं, अब इस यही मूवी का प्लॉट सीन होने वाला है क्योंकि हमें दिखाया जाएगा फिर से एक बार नावी और फेक नावी, लाइक पहले बार कैसा हुआ था फाइट इंसान और नावी के बीच में हुआ था, लेकिन गाइस इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, इस बार होने वाला है नावी और इंसान नावी के बीच में बैटल। तो इसीलिए जो मूवी है बहुत खास होने वाला है आप जानते हो, और मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। एंड गाइस जो मैं बताने वाला था आपको एक सीक्रेट, एक प्लैनेट पे एक छोटा बच्चा होता है लेकिन वो जा नहीं पाता है अर्थ पे, लाइक जब नावी लोग भेज रहे होते हैं उसे अर्थ पे वो जा नहीं पाता है, इसलिए जो अलग सा नाम है तो मे बी ह्यूमन है स्कारलेट, ये छोटी बच्ची। अभी गाइस हमें डेविड बर्नर दिख रहे हैं, क्रिस्टोफर ट्रॉय, उसके बाद जर्मनी आयरवन, यंग नाइटमैन, ये भी उनका बच्चा ही है गाइस, हाँ ये भी उनका बच्चा ही लगता है, जॉन वेस्ट जूनियर, उसके बाद लेक मैकलिन, नावी का रोल, इनका नावी नाम ही है मूवी के अंदर, कैरेक्टर के अंदर नावी है। उसके बाद रायन टर्क, यप गाइस मैंने सारे क्रूज को कवर कर लिया, नॉट सारे जो कि मेन स्क्रीन पे प्ले करने वाले हैं उनका मैंने कवर कर लिया है। अब गाइस चलो हम प्रोडक्शन टीम के बारे में देख लेते हैं, कितना अच्छा इनका प्रोडक्शन चल रहा है और कहां कहां पे शूट्स है, एंड लेट्स सी उनका क्या सीन होने वाला है। और ये सिर्फ यार जस्ट टीजर में आ सकते हैं या फिर गाइस जस्ट कैस्ट क्रेडिट्स में आ सकते हैं या फिर ऐसा भी सीन हो सकता है, हु नोस, कोई सीन इनका हो ही ना, सिर्फ क्रू या फिर थैंक्स ओपनिंग में ही आ सकते हैं, इतना भी हो सकता है। तो यप अब चलो अवतार द वे ऑफ वाटर के कैस्ट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सैम वर्थविंगटन वो प्ले करने वाले हैं जैक सुली का कैरेक्टर, जोए सल्डाना नाइथ्री का सेम रोल प्ले कर, ग्रीन नावी वाले इनकार कर देते हैं इनसे दोस्ती करने में। अब गाइस हमें दिखाया जाता है जो होता है अपना जैक सुली वो उनके सरदार से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, चिरौरी करता है, और उसके बाद उनका जो सरदार होता है अग्री कर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है गाइस इधर दो कैटेगरी के नावी, एक लाइट ग्रीन नावी और एक ब्लू वाले जो नॉर्मल हम लोग जानते हैं, इनके बीच में दोस्ती होती है और इस मूवी अवतार 2 के अंदर हमें दिखा। अब गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ मूवी के अदर डिटेल्स एंड फैक्ट्स, लाइक मूवी में कितना बजट लगा है, कितने ज़्यादा कास्ट एंड क्रूज हैं, वो सारे डिटेल जिसमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपको चाहिए तो सुन सकते हो, अदरवाइज स्टोरी एक्सप्लेनेशन था सिर्फ 8 मिनट तक होता है, मेरे वीडियो में यार ऐसे ही होता है, जान लो यार आपको स्टार्टिंग में पूरे अच्छे से स्टोरी को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, उसके बाद से गाइस मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि यार बहुत लोग होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर नहीं सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ आते हैं स्टोरी के लिए, इसीलिए यार मैं थोड़ा प्लान करके ऐसे वीडियो बनाता हूँ और आपको अच्छा भी लगता है। तो यार अगर ये अच्छा लगता है तो एक और बार मैं बोल रहा हूँ भाई, लाइक करना मत भूलना, जल्दी से लाइक कर दो, बहुत अच्छा बात होगा। और चलो आ जाएगा पहले तो समुद्र के बीच का, मतलब समंदर कितना क्वालिटी और कितने अच्छे तरह से समुद्र को दिखाया जाएगा पेंडोरा प्लैनेट का, ये हमें देखना बाकी है, इसीलिए गाइस इस मूवी का नाम भी रखा गया है दी वे ऑफ वाटर। और मैं बताना चाहता हूँ ये जो मूवी आने वाला है 16 दिसंबर 2022 को आने वाला है, और 16 दिसंबर ज़्यादा दिन नहीं है, कल ही है, आप लोग जाके थिएटर में इंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको समझ में आ गया होगा स्टोरी तो सही है, जो अवतार 1 था मूवी आया था 2009 के अंदर, जैसे कि आपको बता सकता हूँ मैं, ये चुब्बे 2009 के अंदर, और गाइस उस मूवी का बजट था टोटल 23.7 करोड़ USD, मतलब टोटल था 237 मिलियन US डॉलर था, तो बहुत ज़्यादा होता है, और 23 करोड़ USD आप बोल सकते हो तो उतना ज़्यादा था, एंड जो आउटपुट निकला वो तो तुम जानते ही हो। अवतार मूवी का कलेक्शन के बारे में
कोई बात ही नहीं करता यार, क्योंकि मूवी का जो कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड में टॉप वन पे अभी तक स्टैंड करता है। मैं बताना चाहता हूँ यार, देख लो टोटल जो मूवी का कलेक्शन था 2.9 बिलियन US डॉलर अर्न किया इस मूवी ने। एंड बीच में ही आया था एक एवेंजर एंड गेम, मार्वल का भी, मैं मार्वल का भी फैन हूँ, जेम्स कैमरन का भी फैन हूँ, लेकिन यार मार्वल का भी फैन हूँ। तो यार मार्वल वाले ने एंड गेम जब रिलीज़ किए तो वो बीट कर दिया अवतार मूवी को। लाइक पहले अवतार स्टैंड वन पे था, उसे बीट करके अवतार को यार मतलब सेकंड पोजीशन पे ला दिया। जैक होता है उसको अपने साथ पैंडोरा पे ही रख लेता है, और वो जो इंसान का बच्चा होता है छोटा सा, वो भी छोटे से ही ट्रेनिंग इधर मिला रहता है, इसीलिए वो इंसान का बच्चा इतना फुर्तीला होता है। लाइक उसका नाम है लोग स्पाइडर रखते हैं, और वो बहुत फास्ट होता है गाइस। तो वो चलो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा, कल ही रिलीज होने वाला है जैसे कि आप जानते हो। तो मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, कहीं पर और नहीं। अब गाइस इस मूवी का मैं कैस्ट एंड क्रू बताने वाला हूँ, टोटल बजट क्या है एंड अदर फैक्ट्स और डिटेल आप बोल लो वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यार जितनी स्टोरी थी इधर तक थी, सारे स्टोरी मैंने आपको एकदम परफेक्ट से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप स्किप कर सकते हो इस वीडियो को, या फिर अगर फैक्ट्स जानना है इसके मूवी के और रिलेटेड क्या है, कितने क्या क्या सीन्स होने वाले, कितना अच्छा इसमें सिनेमैटिक, और मार्वल जाके फर्स्ट पोजिशन भी स्टैंड कर दिया। लेकिन गाइस फिर से जो चाइना में अवतार वन को ही री रिलीज़ किया गया, तो फिर से इतना ज़्यादा वो अर्निंग किया सिर्फ चाइना से ही, फिर से मूवी जाके टॉप वन हाईएस्ट मतलब हो हाईएस्ट कलेक्शन में फिर से स्टैंड हो गया, एंड फिर से एंड गेम को ना इस सेकंड पोजीशन पे ठेल दिया है। तो या आप जान सकते हो कलेक्शन की बात तो करना ही नहीं है, ये सुपर डुपर वर्ल्ड वाइड हिट है एंड वन ऑफ दी टॉप मोस्ट अर्निंग वीडियो आप बोल सकते हो, टॉप मोस्ट अर्निंग ग्राफिक होने वाला है या फिर कितना अच्छा इसका CGI होने वाला है। तो या मेक श्योर करो आप देखते हो वीडियो को और आगे तक। सो मूवी जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से हमें शुरू होते दिखाया जाएगा लाइक अवतार मतलब पैंडोरा प्लैनेट पे जितने सारे नावी लोग होते हैं वो इंसान को इधर से मार के भगा दे कर रहे हैं। तो कितना ज़्यादा होगा जानते हो, 250 मिलियन US डॉलर होगा। तो आप इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो मतलब अवतार 2 के टोटल बजट के ऊपर। अब चलो हम लोग टोटल जितने सारे कैस्ट एंड क्रू हैं, क्यू को मतलब बहुत सारे न्यू रोल भी आए ना मूवी के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। न्यू रोल में है अपने विन डीजल भैया, तो यार विन डीजल फास्ट एंड फ्यूरियस के हीरो, तो यार इस मूवी के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे एंड लेट्स सी। और जो अच्छे दिल वाले इंसान होते हैं उनको रहने के लिए जगह दिया जाता है। तो गाइस उसमें एक बच्चा होता है जो कि बहुत छोटा होता है, वो मतलब स्पेसशिप में पृथ्वी पे नहीं जा सकता, इसलिए जो होते हैं मतलब इधर के नावी लोग वो बहुत रहम दिल वाले होते हैं, और जो जैक सोली होता है वो उसको अपना बेटा बना लेता है। और गाइस अब हमें स्टोरी को दिखाया जाता है, 5-6 साल बीत चुके होते हैं एंड जैक सुली का 3 बेटे हो गए होते हैं, नाइथरी जो होती है वो भी प्रेग्नेंट होती है, और मतलब 4th बेटा इनका होने वाला होता है मे बी, ऐसा कुछ सीन है। तो इनके 3 बेटे होते हैं टोटल जैक सुली और नाइथरी के, और गाइस अब मान लो 10 साल बीत चुके हैं। अब जैसे कि आपको पता ही होगा 10 साल बीतने के बाद जो कॉलिंग मूवी इन द वर्ल्ड आप बोल सकते हो, एंड आप देखो अभी जो टॉप फोर मूवीज हैं जो कि एकदम टॉप वन पे स्टैंड कर रहे हैं वही हैं अवतार 2009 में आया था, और सेकंड पे स्टैंड कर रहा है अवेंजर एंडगेम 2019 में, थर्ड नंबर पे आया था टाइटैनिक 1997। यस गाइस टाइटैनिक कौन नहीं जानता है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजेडी मूवी और लव वाला बहुत अच्छा मूवी है टाइटैनिक। उसके बाद गाइस 4th नंबर पे स्टार वॉर एपिसोड 7 द फोर्स अवेकन 2015 में आया था, ये मूवी भी 4th पोजीशन पे स्टैंड करता है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड मोस्ट हाईएस्ट कलेक्शन में। अब गाइस चलो हम लोग अवतार 2 के टोटल बजट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अवतार मूवी जो है उसका टोटल बजट है 25 करोड़ US डॉलर, मतलब 3 करोड़ US डॉलर और ज़्यादा लोग कंपनी वाले इंक्रीज़ किए हैं, मतलब यू कैन से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स का हाथ है, 3 करोड़ और बढ़ा दो और मूवी अच्छा और हो जाएगी ऑब्वियसली यार, स्टोरी मैटर करता है एंड CGI ग्राफिक्स तो इसी में ज़्यादा इनका पैसा जाता है जहाँ तक मैं बताऊँ तो। अब यार इसको हम लोग अगर अपने इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होने होता है वो बहुत ज़्यादा प्लान कर लिया होता है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ पार्ट 1 के अंदर गाइस ऐसा दिखाया गया था उस जहरीले तीर से बस उसे चोट आई थी, वो जो कॉर्नेल होता है वो मरा नहीं होता है। अब गाइस असली मूवी स्टार्ट होने वाला है जब कॉर्नेल 10 साल बीत जाते हैं, वो अच्छे से जैक सुली भाई का एक होता है टॉम सुली उसका DNA खोजता है और अपने लिए एक अवतार बॉडी डी, उनका क्या सीन होने वाला है। और ये सिर्फ यार जस्ट टीजर में आ सकते हैं या फिर गाइस जस्ट कैस्ट क्रेडिट्स में आ सकते हैं या फिर ऐसा भी सीन हो सकता है, हु नोस कोई सीन इनका हो ही ना, सिर्फ
क्रू या फिर थैंक्स ओपनिंग में ही आ सकते हैं, इतना भी हो सकता है। तो यप, अब चलो अवतार द वे ऑफ वाटर के कैस्ट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सैम वर्थविंगटन वो प्ले करने वाले हैं जैक सुली का कैरेक्टर। जोए सल्डाना नैत्री का सेम रोल प्ले करने वाली हैं। सिगजनी वीवर वो किरी का रोल प्ले करने वाली हैं। केट विंगसलेट रोनल का रोल प्ले करने वाली हैं। और गाइज स्टेफन लैंग कोनेल क्वैटरिच, ये भाई कोनेल को कौन भूल सकता है यार, ये साला विलन अभी भी जिंदा है, पार्ट टू के अंदर फिर से यार मर के डिजाइन करता है। तो गाइस आप समझ लो, अब जो कैप्टन रहेगा मतलब जर्नल रहेगा वो एक नावी के बॉडी के अंदर घुस गया है एंड पहुंचता है पैंडोरा फिर से अपने अच्छे ट्रूप्स और बहुत खतरनाक खतरनाक हथियार से, और अभी वो एक नावी के रूप में है और इसका प्लान होता है इन सारे मतलब नावी को उधर से मार के भगाने का, और ऐसा ही होता है। ये जो गाइस है जो अभी एक कैप्टन यही बन गया होता है नावी, और ये अब प्लान कर लिया होता है कैसे भी करके इन सारे नावी को इनके ये अड्डे पे से भगा देना है, और ये लोग वैसा कर भी लेते हैं क्योंकि इनके पास बहुत खतरनाक वेपन्स होते हैं। और अभी अगले इस बार ये लोग अवतार के रूप में मतलब मौत के मुंह से वापस आ चुका है, तो यार देखते हैं क्या इस बार तबाही मचाने वाला है अंकल जी। उसके बाद विन डीजल का नाम दिया है लेकिन इनका कोई कैरेक्टर नेम नहीं दिया गया है, तो ऑब्वियसली मैं श्योर हूँ इनका सिर्फ क्रेडिट में ही इनका नेम रहेगा, इनका कहीं पे नहीं नेम आने वाला और मूवी के अंदर इनका कोई सीन भी नहीं होने वाला है आई एम श्योर। उसके बाद गाइस माइकल योहुई डॉक्टर करियाना का रोल प्ले करने वाली हैं। आपको पता होगा एक न्यू डॉक्टर इसमें है, और चलो मैं बहुत सारे जो बच्चे लोग होते हैं जैक सुली के बच्चे होने वाले हैं तो उनका भी नाम मैं बताता हूँ, अभी नहीं अभी बीच में आएंगे तो बताऊँगा। क्लिफ कर्टिस टोनोवारी का रोल प्ले कर रहे हैं। एंड गाइस जैक चैम्पियन जेवियर सॉर्को का रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद ओना चालपिन वरांग का रोल प्ले करने वाली हैं, और यह है एक न्यू कैरेक्टर यार त्रिनिति ब्लिस तरीक का रोल एक पता नहीं, हाँ हाँ यही एक न्यू बच्ची है जो कि होने वाली है मूवी के अंदर। उसके बाद माइकल रॉड्रिक इनका कोई भी कैरेक्टर नेम नहीं दिया गया, तो मतलब ये भी वो पोस्ट क्रेडिट सीन में ही दिखाने वाला है, इसीलिए ये लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ में होते हैं, तो जो कैप्टन होता है आराम से पहले इन्हें मार के भगा देता है। अब जो बचे कुछ नावी होते हैं गाइस वो लोग पहुंचते हैं एक दूसरे मतलब समुद्र के पार एक दूसरे नावी इलाका में, जहां पे हमें पता चलता है इस मूवी के अंदर सिर्फ एक प्रजाति नहीं है नावी का, दो तीन अलग अलग कलर्स के प्रजाति होते हैं। तो यार मैं बताना चाहता हूँ ये जो नावी लोग होते हैं ये लोग होते हैं ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन, और अपने जो अवतार लोग थे वो लोग मतलब लाइट ब्लू आपको जैसे कि पता है। तो जब इस ये लोग गांव में पहुंचते हैं ये लोग हेल्प करने के लिए माइकल रॉड्रिक, तो गाइस मैंने जैसे बोला इनका कोई भी रोल नहीं प्ले होने वाला, ये जस्ट एक क्रेडिट सीन में इनका बस आएगा या फिर थैंक्स में आ सकता है इनका नेम। उसके बाद है एक और कैरेक्टर जेमेन फेल्टर, नेथमैन का रोल ये लोग प्ले करने वाले हैं। उसके बाद यार एक और बच्चा आ गया जो कि होने वाला है अपने जैक सुली का, फिलिप गेल्जियो औनंग कर का रोल है। भाई क्या नाम है यार, खतरनाक नाम दिए हैं वे, पूरा नावी वाला नाम है इसीलिए इतने खतरनाक खतरनाक नाम है इन लोगों के। और यार इधर हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होगा क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए दो दो मतलब इधर हमें दिखाया जा रहा है। लाइक देख लो ब्रिटन डेल्टन जो है वो लोक का रोल प्ले करने वाला है, सेम चोल कोलमैन है वो भी लोक का रोल प्ले करने वाला है, तो मे बी गाइस ये ट्विंस हैं, हाँ आई एम श्योर बोलते हैं। तो वो गांव वाले सीधा इनकार कर देते हैं और बोलते हैं हम लोगों को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और तुम लोग इधर आना मत क्योंकि तुम्हारे वजह से ये इंसान लोग हमें भी मार देंगे। वो ग्रीन नावी वाले इनकार कर देते हैं इनसे दोस्ती करने में। अब गाइस हमें दिखाया जाता है जो होता है अपना जैक सुली वो उनके सरदार से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, चिरौरी करता है, और उसके बाद उनका जो सरदार होता है अग्री कर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है गाइस इधर दो कैटेगरी के नावी, एक लाइट ग्रीन नावी और एक ब्लू वाले जो नॉर्मल हम लोग जानते हैं, इनके बीच में दोस्ती होती है। और इस मूवी अवतार 2 के अंदर हमें दिखाया जाएगा पहले तो समुद्र के बीच का मतलब समंदर कितना क्वालिटी और कितने अच्छे तरह से समुद्र को दिखाया जाएगा पेंडोरा प्लैनेट का, ये हमें देखना बाकी है। इसीलिए गाइस इस मूवी का नाम भी रखा गया है दी वे ऑफ वाटर। और मैं बताना चाहता हूँ ये जो मूवी आने वाला है 16 दिसंबर 2022 को आने वाला है, और 16 दिसंबर ज़्यादा दिन नहीं है, कल ही है,
आप लोग जाके थिएटर में एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको समझ में आ गया होगा स्टोरी तो सही है, दे आर ट्विंस एंड जैक सुली का दो ट्विंस बेटे भी होने वाले लगता है इस बार। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर बढ़ते हैं, बेली बेस जो कि सिराया का रोल प्ले कर रही हैं एंड ये भी लगता है न्यू। इस बार अवतार 2 में देख रही होगी कितने सारे बड़ी फैमिली है यार, मतलब पूरा फैमिली बहुत बड़ा है इन लोगों का एंड इस बार क्रेजीनेस का लेवल ये लोग पार कर देंगे क्योंकि जैक सुली नाइथरी उसके तीन चार बेटे, उसके बाद गाइस एक और उस तीन चार बेटे में से एक की लव हो जाती है एक और कैरेक्टर से जो कि लाइट ग्रीन जाति से या नावी जाति से उसका लव होता है यार भाई, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें सीन है। यप चलो हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर देख रहे हैं, वेस स्टूडी। तो ए बी गाइस इनका कैरेक्टर नहीं जानते ही हो, वो बहुत ज़्यादा उनसे मनाता है और एट द एंड एक नावी ही दूसरे नावी की मदद करेगा जैसे कि आप जानते हो और वो लोग हेल्प कर लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है गाइस इस प्लैनेट पे मतलब इस समंदर के नीचे बहुत सारे अलग अलग जानवर होते हैं और ये सारे नावी मिलके इंटरेक्शन उनसे करते हैं और युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए इनके साथ ये लोग रहते हैं। नेम नहीं है सो देन ही इज़ ऑल्सो गोइंग मे बी नॉट श्योर ए बी मतलब नहीं इनका कैरेक्टर हो सकता है या फिर ए बी पोस्ट क्रेडिट थैंक्स सीन में ही आने वाले हैं। गिवोना रिस्बी पार्कर सेल्फ्रिज ये भी भाई एक लगता है रोल है इनका, इनका कैरेक्टर रोल भी दिया गया है तो ऑब्वियसली ये भी होने वाले हैं। उसके बाद एडी फैल्को जर्नल आदमोर, तो यप आ गई एक और जर्नल, ये भी मतलब भाई ह्यूमन होने हाँ कैरेक्टर नेम दिया गया है तो ये भी हो सकते हैं। मैं बताना चाहता यार ये मैं अभी जिस मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये समझ सकते हो यार, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट अर्निंग मूवी है वर्ल्ड का, इसीलिए इसमें जो कैरेक्टर्स में हैं बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। उसके बाद जिनका ये भी मतलब बहुत बड़ा एक लिस्ट है, कैरेक्टर लिस्ट तो बहुत बड़ा है इनका। एंड गाइस एक इंडियन कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलेंगे मूवी के अंदर, दिलीप राव जिनका रोल है डॉक्टर मैक्स पटेल। तो लेट्स सी डॉक्टर मैक्स पटेल क्या करने वाले हैं मूवी के अंदर, और ही इज़ फ्रॉम इंडिया। मैट गेरल्ड कॉर्पल लॉ वेस्ट, पता नहीं भाई इसका नाम आधा नहीं आ रहा है तो मेरे को नहीं पता है कौन सा इनका रोल है। और हमें दिखाया जाता है हर तरह के जानवर इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा जैसे कि आपको पता ही है। और अब एट द एंड जो होता है वो कर्नल होता है उसको इन लोगों का लोकेशन पता चल गया है, अब ये लोग एक और बार इनके ऊपर हमला बोल देते हैं। अब गाइस यही मूवी का प्लॉट सीन होने वाला है क्योंकि हमें दिखाया जाएगा फिर से एक बार नावी और फेक नावी, लाइक पहले बार कैसा हुआ था फाइट इंसान और नावी के बीच में हुआ था, लेकिन गाइस इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, इस बार होने वाला है नावी और इंसान नावी के बीच में बैटल। तो इसीलिए जो मूवी है बहुत खास होने वाला है आप जानते हो, और मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। एंड गाइस जो मैं बताने वाला था आपको एक सीक्रेट, एक प्लैनेट पे एक छोटा बच्चा होता है लेकिन वो जा नहीं पाता है अर्थ पे, लाइक जब नावी लोग भेज रहे होते हैं उसे अर्थ पे वो जा नहीं पाता है, इसलिए जो जैक होता है उसको अपने साथ पैंडोरा पे ही रख लेता है। और वो जो इंसान का बच्चा होता है छोटा सा वो भी छोटे से ही ट्रेनिंग इधर मिला रहता है, इसीलिए वो इंसान का बच्चा इतना फुर्तीला होता है, लाइक उसका नाम है लोग स्पाइडर रखते हैं और वो बहुत फास्ट होता है गाइस। तो वो चलो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा, कल ही रिलीज होने वाला है जैसे कि आप जानते हो। तो मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, कहीं पर और नहीं। अब गाइस इस मूवी का मैं कैस्ट एंड क्रू बताने वाला हूँ, टोटल बजट क्या है एंड अदर फैक्ट्स और डिटेल आप बोल लो वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यार जितनी स्टोरी थी इधर तक थी सारे स्टोरी मैंने आपको एकदम। उसके बाद CCH पाउंडर मोट, ये भी गाइस एक हमें उधर देखने को मिलेंगी नावी। उसके बाद कैस्टन जॉन वारू, ये भी एक नावी है। अलाइसा वेला बेली डिनार्स्क, इनका तो नावी वाला ही नाम लग रहा है, बिल्कुल नावी ये भी है। ब्रेंडन कोवेल माइक सॉर्बी, लेट्स सी इनका थोड़ा अलग सा नाम है तो मे बी ह्यूमन है। स्कारलेट ये छोटी बच्ची, अभी गाइस हमें डेविड बर्नर दिख रहे हैं, क्रिस्टोफर ट्रॉय, उसके बाद जर्मनी आयरवन, यंग नाइटमैन ये भी उनका बच्चा ही है गाइस, हाँ ये भी उनका बच्चा ही लगता है। जॉन वेस्ट जूनियर, उसके बाद लेक मैकलिन नावी का रोल, इनका नावी नाम ही है मूवी के अंदर, कैरेक्टर के अंदर नावी है। उसके बाद रायन टर्क, यप गाइस मैंने सारे क्रूज को कवर कर लिया, नॉट सारे जो कि मेन स्क्रीन पे प्ले करने वाले उनका मैंने कवर कर लिया है। अब गाइस चलो हम प्रोडक्शन टीम के बारे में देख लेते हैं कितना अच्छा इनका प्रोडक्शन चल रहा है और कहां कहां पे शूट्स है। वाली एंड मतलब कोनल के साथ ही लगता है जर्नल आ गई है एंड विलन का रोल इनका भी हो सकता है मे बी। जोल डेविड मोरी, नॉर्म स्पेलमैन, ये मे बी गाइस
पार्ट वन के ही कैरेक्टर्स होने वाले हैं, कुछ लोग पार्ट वन के भी हैं और पार्ट टू में न्यू कैरेक्टर्स आने वाले हैं। जेमाइना क्लीमेंट, डॉक्टर लान गार्विन, हाँ तो ये भी न्यू हो सकते हैं, लग तो रहा है न्यू कैरेक्टर हैं। सीजे जोनस, मेटेना इंटरप्स, इनका भी पता नहीं यार, इनका कैरेक्टर नेम दिया गया है या फिर परफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप स्किप कर सकते हो इस वीडियो को, या फिर अगर फैक्ट्स जानना है इसके मूवी के और रिलेटेड क्या है, कितने क्या क्या सीन्स होने वाले हैं, कितना अच्छा इसमें सिनेमैटिक ग्राफिक होने वाला है या फिर कितना अच्छा इसका सीजीआई होने वाला है, तो या मेक श्योर करो आप देखते हो वीडियो को और आगे तक। सो या मूवी जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से हमें शुरू होते दिखाया जाएगा लाइक अवतार मतलब पैंडोरा प्लैनेट्स, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, कंट्री जो है यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज है मूवी का इंग्लिश एंड ऑफिशियल डब आपको सारे नेशनल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। बजट है मूवी का 350 मिलियन से 400 मिलियन डॉलर के बीच में और जो प्रोडक्शन है जैसे कि जानते ही हो इस मूवी का 2009 में पहला पार्ट आया था और गाइस मूवी का ना शूटिंग बहुत जल्दी हो गया होता कंप्लीट और मे बी 2022 के थोड़ा बीच में ही आ गया होता, लेकिन कोविड जैसे कि मैं बता देता हूँ चाहता हूँ कोविड की वजह से इस मूवी का शूटिंग बहुत डिले हो गया एंड इसी कारण इस मूवी को भी मतलब डिले में डाल के सारा बंद हो गया और इसको भी लेट अभी रिलीज़ कर रहे लोग। ऑल थ्रू गाइस मैं बताना चाहता हूँ आपको जो ए मूवी है ये होने वाला है सीक्वल पार्ट लाइक अवतार वन जो प्रीवियस में रिलीज़ हुआ था, अवतार टू होने वाला है, अवतार थ्री एंड गाइस लास्ट अवतार फोर। तो यार इतने सारे इस मूवी के अलग अलग पार्ट आने वाले हैं। प्लैनेट पे जितने सारे नावी लोग होते हैं वो इंसान को इधर से मार के भगा देते हैं और जो अच्छे दिल वाले इंसान होते हैं उनको रहने के लिए जगह दिया जाता है। तो गाइस उसमें एक बच्चा होता है जो कि बहुत छोटा होता है, वो मतलब स्पेसशिप में पृथ्वी पे नहीं जा सकता, इसलिए जो होते हैं मतलब इधर के नावी लोग वो बहुत रहम दिल वाले होते हैं और जो जैक सोली होता है वो उसको अपना बेटा बना लेता है। और गाइस अब हमें स्टोरी को दिखाया जाता है, 5-6 साल बीत चुके होते हैं एंड जैक सुली का 3 बेटे हो गए होते हैं, नाइथ्री जो होती है वो भी प्रेग्नेंट होती है और मतलब चौथा बेटा इनका होने वाला होता है मे बी ऐसा कुछ सीन है। तो इनके 3 बेटे होते हैं टोटल, जैक सुली। और अब गाइस इस मूवी के मैं मेन हाइलाइट्स के ऊपर आपको बताने वाला हूँ, अवतार द वे ऑफ वाटर, ये डायरेक्टेड बाई जेम्स कैमरियन जानते हो, स्क्रीन प्ले हैं जेम्स कैमरियन, रिक जाफा एंड अमांडा सिल्वर। उसके बाद स्टोरी जेम्स कैमरियन, रिक जाफा, अमांडा सिल्वर, उसके बाद जॉस फ्रेडमैन और शेन सेलरेना, बेस्ड ऑन कैरेक्टर बाय जेम्स, सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो भी जेम्स नहीं बनाया नावी के कैरेक्टर्स। उसके बाद स्टारिंग कैश जो है सैम वर्थिंग एज अ नावी और आप बोल सकते हो जैक, उसके बाद जोई सेलांदा, जिगोर्नी वीवर, स्टेफन लैंग और केट विंसलेट, सिनेमाटोग्राफिक बाय रसेल कारपेंटर, एडिटेड बाय स्टेफन ई विंक, डेविड बर्नर, जॉन रेफुआ एंड जेम्स कॉर्नर एडिटिंग में भी हेल्प किए हैं। मतलब यार गाइस इज द लेजेंड गाय, बहुत अच्छी अच्छी उसकी मूवी है लाइक टाइटैनिक्स, उसके बाद टर्मिनेटर्स। म्यूजिक बाय सिमोन नाइथ्री के। और गाइस अब मान लो 10 साल बीत चुके हैं, अब जैसे को आपको पता ही होगा 10 साल बीतने के बाद जो कॉर्नल होता है वो बहुत ज़्यादा प्लान कर लिया होता है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ पार्ट वन के अंदर गाइस ऐसा दिखाया गया था उस जहरीले तीर से बस उसे चोट आई थी, वो जो कॉर्नल होता है वो मरा नहीं होता है। अब गाइस असली मूवी स्टार्ट होने वाला है जब कॉर्नल 10 साल बीत जाते हैं, वो अच्छे से जैक सुली भाई का एक होता है टॉम सुली, उसका DNA खोजता है और अपने लिए एक अवतार बॉडी डिज़ाइन करता है। तो गाइस आप समझ लो अब जो कैप्टन रहेगा मतलब जर्नल रहेगा वो एक नावी के बॉडी के अंदर घुस गया है एंड पहुंचता है पैंडोरा फिर से अपने अच्छे ट्रूप्स और बहुत खतरनाक हथियार से, और अभी वो एक नावी के रूप में है और इसका प्लान होता है इन सारे मतलब नावी को उधर से मार के भगाने का, और ऐसा ही होता है। ये जो गाइस है जो अभी एक कैप्टन यही बन गया होता है नावी और ये अब प्लान कर लिया होता है कैसे भी करके इन सारे नावी को इनके ये अड्डे पे से भगा देना है। और ये लोग वैसा फ्रैंकलिन, प्रोडक्शन कंपनी कितने हैं देख लो, लाइट स्टॉर्म एंटरटेनमेंट TSG एंटरटेनमेंट, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है 20th Century स्टूडियो। रिलीज डेट है गाइस इस मूवी का 6 December 2022 लंदन में सिर्फ, उसके बाद 16 December 2022 यूनाइटेड स्टेट में। उसके बाद गाइस इस मूवी का रन टाइम है 192 में। माइकल रॉड्रिक, तो गाइस मैंने जैसे बोला इनका कोई भी रोल नहीं प्ले होने वाला है, ये जस्ट एक क्रेडिट सीन में इनका बस आएगा या फिर थैंक्स में आ सकता है इनका नेम।
उसके बाद आए एक और कैरेक्टर जेमेन फेल्टर, नेथमैन का रोल प्ले करने वाले हैं। उसके बाद यार एक और बच्चा आ गया जो कि होने वाला है अपने जैक सुली का, फिलिप गेल्जियो औनंग कर का रोल है। भाई क्या नाम है यार, खतरनाक नाम दिए हैं वे, पूरा नावी वाला नाम है इसीलिए इतने खतरनाक खतरनाक नाम है इन लोगों के। और यार इधर हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होगा क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए दो दो मतलब इधर हमें दिखाया जा रहा है। लाइक देख लो, ब्रिटन डेल्टन जो है वो लोक का रोल प्ले करने वाला है, सेम चोल कोलमैन है वो भी लोक का रोल प्ले करने वाला है। तो मे बी गाइस ये ट्विंस हैं, हाँ आई एम श्योर दे आर ट्विंस, एंड जैक सुली का दो ट्विंस बेटे भी होने वाले हैं लगता है इस बार। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर बढ़ते हैं, बेली बेस जो कि सिराया का रोल प्ले कर रही हैं, एंड ये भी लगता है न्यू। इस बार अवतार 2 में देख रही होगी कितने सारे बड़ी फैमिली है यार, मतलब पूरा फैमिली। अब गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ मूवी के अदर डिटेल्स एंड फैक्ट्स, लाइक मूवी में कितना बजट लगा है, कितने ज़्यादा कास्ट एंड क्रूज हैं, वो सारे डिटेल जिसमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपको चाहिए तो सुन सकते हो। अदरवाइज स्टोरी एक्सप्लेनेशन था, सिर्फ 8 मिनट तक होता है, मेरे वीडियो में यार ऐसे ही होता है, जान लो यार। आपको स्टार्टिंग में पूरे अच्छे से स्टोरी को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, उसके बाद से गाइस मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि यार बहुत लोग होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर नहीं सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ आते हैं स्टोरी के लिए, इसीलिए यार मैं थोड़ा प्लान करके ऐसे वीडियो बनाता हूँ और आपको अच्छा भी लगता है। तो यार अगर ये अच्छा लगता है तो एक और बार मैं बोल रहा हूँ भाई, लाइक करना मत भूलना, जल्दी से लाइक कर दो, बहुत अच्छा बात होगा। और चलो, जो अवतार 1 था मूवी आया था 2009 के अंदर, जैसे कि आपको बता सकता हूँ मैं ये चुप्पे 2009 के अंदर, और गाइस उस मूवी का बजट था, कर भी लेते हैं क्योंकि इनके पास बहुत ख़तरनाक वेपन्स होते हैं, और अभी अगले इस बार ये लोग अवतार के रूप में होते हैं इसीलिए ये लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ में होते हैं। तो जो कैप्टन होता है आराम से पहले इन्हें मार के भगा देता है। अब जो बचे कुछ नावी होते हैं गाइस, वो लोग पहुँचते हैं एक दूसरे मतलब समुद्र के पार एक दूसरे नावी इलाका में, जहाँ पे हमें पता चलता है इस मूवी के अंदर सिर्फ एक प्रजाति नहीं है नावी का, दो तीन अलग अलग कलर्स के प्रजाति होते हैं। तो यार मैं बताना चाहता हूँ, ये जो नावी लोग होते हैं ये लोग होते हैं ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन, और अपने जो अवतार लोग थे वो लोग मतलब लाइट ब्लू, आपको जैसे कि पता है। तो जब इस ये लोग गाँव में पहुँचते हैं, ये लोग हेल्प करने के लिए बोलते हैं टोटल 23.7 करोड़ USD, मतलब टोटल था 2237 मिलियन US डॉलर था, तो बहुत ज़्यादा होता है, और 23 करोड़ USD आप बोल सकते हो जो उतना ज़्यादा था। एंड जो आउटपुट निकला वो तो तुम जानते ही हो, अवतार मूवी का कलेक्शन के बारे में कोई बात ही नहीं करता यार, क्योंकि मूवी का जो कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड में टॉप 1 पे अभी तक स्टैंड करता है। मैं बताना चाहता हूँ यार देख लो, टोटल जो मूवी का कलेक्शन था 2.9 बिलियन US डॉलर अर्न किया इस मूवी ने। एंड बीच में ही आया था एक एवेंजर एंड गेम, मार्वल का भी मैं मार्वल का भी फ़ैन हूँ, जेम्स कैमरन का भी फ़ैन हूँ, लेकिन यार मार्वल का भी फ़ैन हूँ। तो यार मार्वल वाले ने एंड गेम जब रिलीज़ किए तो वो बीट कर दिया अवतार मूवी को, लाइक पहले अवतार स्टैंड 1 पे था, उसे बीट करके अवतार को यार मतलब सेकेंड पोजिशन पर ला दिया, और मार्वल जाके फर्स्ट पोजिशन भी स्टैंड कर दिया। लेकिन गाइस फिर से जो चाइना में अवतार 1 को ही री रिलीज़ किया गया, तो फिर से इतना ज़्यादा वो अर्निंग किया सिर्फ चाइना से ही, फिर से मूवी जाके टॉप 1 हाईएस्ट मतलब हो हाईएस्ट कलेक्शन में फिर से स्टैंड हो गया, एंड फिर से एंड गेम को ना ये सेकंड पोजीशन पे ठेल दिया है। तो या आप जान सकते, तो वो गांव वाले सीधा इनकार कर देते हैं और बोलते हैं हम लोगों को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और तुम लोग इधर आना मत, क्योंकि तुम्हारे वजह से ये इंसान लोग हमें भी मार देंगे। वो ग्रीन नावी वाले इनकार कर देते हैं इनसे दोस्ती करने में। अब गाइस हमें दिखाया जाता है जो होता है अपना जैक सुली, वो उनके सरदार से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, चिरौरी करता है, और उसके बाद उनका जो सरदार होता है अग्री कर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है गाइस इधर दो कैटेगरी के नावी, एक लाइट ग्रीन नावी और एक ब्लू वाले जो नॉर्मल हम लोग जानते हैं, इनके बीच में दोस्ती होती है। और इस मूवी अवतार 2 के अंदर हमें दिखाया जाएगा पहले तो समुद्र के बीच का मतलब समंदर कितना क्वालिटी और कितने अच्छे तरह से समुद्र को दिखाया जाएगा पेंडोरा प्लैनेट का, ये हमें देखना बाकी है। इसीलिए गाइस इस मूवी का नाम भी रखा गया है दी वे ऑफ वाटर। और मैं बताना चाहता हूँ ये जो मूवी आने वाला है 16 दिसंबर 2022 को आने वाला है, और 16 दिसंबर ज़्यादा दिन नहीं है, कल ही है, आप लोग जाके थिएटर में एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको समझ में आ गया होगा स्टोरी तो सही है, तो कलेक्शन की बात तो करना ही नहीं है, ये सुपर डुपर वर्ल्ड वाइड हिट है एंड वन ऑफ दी टॉप
मोस्ट अर्निंग वीडियो आप बोल सकते हो, टॉप मोस्ट अर्निंग मूवी इन द वर्ल्ड आप बोल सकते हो। एंड अब देखो अभी जो टॉप फोर्स हैं, फोर मूवीज़ हैं जो कि एकदम टॉप वन पे स्टैंड कर रहे हैं, वही हैं अवतार 2009 में आया था, और सेकंड पे स्टैंड कर रहा है अवेंजर एंडगेम 2019 में, थर्ड नंबर पे आया था टाइटैनिक 1997। यस गाइस, टाइटैनिक कौन नहीं जानता है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजेडी मूवी और लव वाला बहुत अच्छा मूवी है टाइटैनिक। उसके बाद गाइस फोर्थ नंबर पे स्टार वॉर्स एपिसोड सिक्स्थ, स्टार वॉर एपिसोड सेवेंथ द फोर्स अवेकन 2015 में आया था। ये मूवी भी फोर्थ पोजीशन पे स्टैंड करता है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड मोस्ट हाईएस्ट कलेक्शन में। अब गाइस चलो हम लोग अवतार 2 के टोटल बजट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अवतार मूवी जो है उसका टोटल बजट है 25 करोड़ US डॉलर, मतलब 3 करोड़ US डॉलर और ज़्यादा लोग कंपनी वाले इंक्रीज़ किए हैं, मतलब यू कैन से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स का हाथ है, 3 करोड़ और बढ़ा दो और मूवी अच्छा और हो जाएगी ऑब्वियसली यार, स्टोरी मैटर करता है एंड CGI ग्राफिक्स, तो इसी में ज़्यादा इनका पैसा जाता है जहाँ तक मैं बताऊँ तो। अब यार इसको हम लोग अगर अपने इंडियन चैनल पे मिलने वाला है, कहीं पे और नहीं। अब गाइस इस मूवी का मैं कास्ट एंड क्रू बताने वाला हूँ, टोटल बजट क्या है एंड अदर फैक्ट्स और डिटेल आप बोल लो, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यार जितनी स्टोरी थी इधर तक थी, सारे स्टोरी मैंने आपको एकदम परफेक्ट से एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप स्किप कर सकते हो इस वीडियो को, या फिर अगर फैक्ट्स जानना है इसके मूवी के और रिलेटेड क्या है, कितने क्या क्या सीन्स होने वाले हैं, कितना अच्छा इसमें सिनेमैटिक ग्राफिक होने वाला है या फिर कितना अच्छा इसका CGI होने वाला है, तो यार मेक श्योर करो आप देखते हो वीडियो को और आगे तक। सो या मूवी जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से हमें शुरू होते दिखाया जाएगा लाइक अवतार, मतलब पैंडोरा प्लैनेट पे जितने सारे नावी लोग होते हैं वो इंसान को इधर से मार के भगा देते हैं, और जो अच्छे दिल वाले इंसान होते हैं उनको रहने के लिए जगह दिया जाता है। तो गाइस उसमें एक बच्चा होता है जो कि बहुत छोटा होता है, वो मतलब स्पेसशिप में पृथ्वी पर नहीं जा सकता, इसलिए जो होते हैं मतलब इधर के नावी लोग वो बहुत रहम दिल वाले होते हैं, और जो जैक सोली होता है वो उसको अपना बेटा बना लेता है। और गाइस अब हमें स्टोरी को दिखाया जाता 5-6 साल बीत चुके होते हैं एंड जैक सुली का 3 बेटे। अब गाइस इस मूवी के मैं मेन हाइलाइट्स के ऊपर आपको बताने वाला हूँ, अवतार द वे ऑफ वाटर, ये डायरेक्टेड बाय जेम्स कैमरियन जानते हो, स्क्रीन प्ले हैं जेम्स कैमरियन, रिक जाफा एंड अमांडा सिल्वर। उसके बाद स्टोरी जेम्स कैमरियन, रिक जाफा, अमांडा सिल्वर, उसके बाद जॉस फ्रेडमैन और शेन सेलरेना, बेस्ड ऑन कैरेक्टर बाइज बहुत बड़ा है इन लोगों का एंड इस बार क्रेजीनेस का लेवल ही लोग पार कर देंगे, क्योंकि जैक सुली, नाइथरी, उसके 3-4 बेटे, उसके बाद गाइस एक और उस 3-4 बेटे में से एक की लव हो जाती है एक और कैरेक्टर से जो कि लाइट ग्रीन जाति से है, नावी जाति से उसका लव होता है यार भाई, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें सीन है। यप चलो हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर देख रहे हैं, वेस स्टूडी, तो ए बी गाइस इनका कैरेक्टर नेम नहीं है, सो देन ही इज़ ऑल्सो गोइंग मे बी नॉट श्योर, ए बी मतलब नहीं इनका कैरेक्टर हो सकता है या फिर ए बी पोस्ट क्रेडिट थैंक्स सीन में ही आने वाले हैं। गिवोना रिस्बी, पार्कर सेल्फ्रिज, ये भी भाई एक लगता है रोल है इनका, इनका कैरेक्टर रोल भी दिया गया है तो ऑब्वियसली ए बी होने वाले हैं। उसके बाद एडी फैल्को, जर्नल आदमोर, तो यप आ गई एक और जर्नल, ये भी मतलब भाई ह्यूमन होने वाली है एंड मतलब कोनल के साथ ही लगता है जर्नल आ गई है एंड विलन का रोल इनका भी हो सकता है मे बी। जोल डेविड मोरी, नॉर्म स्पेलमैन, ये मे बी गाइस पार्ट वन के ही कैरेक्टर्स होने वाले हैं, कुछ लोग पार्ट वन के भी हैं और पार्ट टू में न्यू न्यू कैरेक्टर्स आने वाले हैं। जेमाइना क्लीमेंट, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो भी जेम्स ने ही बनाया नावी के कैरेक्टर्स। उसके बाद स्टारिंग कैस्ट जो है, सैम वर्थिंग एज अ नावी और आप बोल सकते हो जैक, उसके बाद जोई सेलांदा, जिगोर्नी वीवर, स्टेफन लैंग और केट विंसलेट, सिनेमाटोग्राफिक बाय रसेल कारपेंटर, एडिटेड बाय स्टेफन ई विंक, डेविड बर्नर, जॉन रेफुआ एंड जेम्स कॉर्नर एडिटिंग में भी हेल्प किए हैं, मतलब यार गाइस इज द लेजेंड गाय, बहुत अच्छी अच्छी उसकी मूवी है लाइक टाइटैनिक्स, उसके बाद टर्मिनेटर्स। म्यूजिक बाय सिमोन फ्रैंकलिन, प्रोडक्शन कंपनी कितने हैं देख लो, लाइट स्टॉर्म एंटरटेनमेंट, TSG एंटरटेनमेंट, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है 20th Century स्टूडियो। रिलीज डेट है गाइस इस मूवी का December 6, 2022 लंदन में सिर्फ, उसके बाद December 16, 2022 यूनाइटेड स्टेट में। उसके बाद गाइस हो गए होते हैं, नाइथरी जो होती है वो भी प्रेग्नेंट होती है और मतलब चौथा बेटा इनका होने वाला होता है मे बी, ऐसा कुछ सीन है, तो इनके 3 बेटे होते हैं टोटल,
जैक सुली और नाइतरी के। और गाइस अब मान लो 10 साल बीत चुके हैं। अब जैसे को आपको पता ही होगा 10 साल बीतने के बाद जो कौन डॉक्टर लान गार्विन, हाँ तो ये भी न्यू हो सकते हैं, लग तो रहा है न्यू कैरेक्टर है। सीजे जोनस मेटेना इंटरप्स, इनका भी पता नहीं यार, इनका कैरेक्टर नेम दिया गया है या फिर हाँ कैरेक्टर नेम दिया गया है तो ये भी हो सकते हैं। मैं बताना चाहता यार ये मैं अभी जिस मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये समझ सकते हो यार, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट अर्निंग मूवी है वर्ल्ड का, इसीलिए इसमें जो कैरेक्टर्स में हैं बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। उसके बाद जिनका ये भी मतलब बहुत बड़ा एक लिस्ट है, कैरेक्टर लिस्ट तो बहुत बड़ा है इनका। एंड गाइस एक इंडियन कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलेंगे मूवी के अंदर, दिलीप राव होता है, वो बहुत ज़्यादा प्लान कर लिया होता है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ पार्ट वन के अंदर गाइस ऐसा दिखाया गया था उस जहरीले तीर से बस उसे चोट आई थी, वो जो कॉर्नेल होता है वो मरा नहीं होता है। अब गाइस असली मूवी स्टार्ट होने वाला है जब कॉर्नेल 10 साल बीत जाते हैं, वो अच्छे से जैक सुली भाई का एक होता है टॉम सुली, उसका DNA खोजता है और अपने लिए एक अवतार बॉडी डिज़ाइन करता है। तो गाइस आप समझ लो अब जो कैप्टन रहेगा मतलब जर्नल रहेगा वो एक नावी के बॉडी के अंदर घुस गया है एंड पहुंचता है पेंडोरा फिर से अपने अच्छे ट्रूप्स जिनका रोल है डॉक्टर मैक्स पटेल। तो लेट्स सी डॉक्टर मैक्स पटेल क्या करने वाले हैं मूवी के अंदर। और ही इज़ फ्रॉम इंडिया। मैट गेरल्ड, कॉर्पल लॉ वेस्ट, पता नहीं भाई इसका नाम आधा नहीं आ रहा है तो मेरे को नहीं पता है कौन सा इनका रोल है। उसके बाद CCH पाउंडर मोट, ये भी गाइस एक हमें उधर देखने को मिलेंगी नावी। उसके बाद कैस्टन जॉन वारू, ये भी एक नावी है। अलाइसा वेला बेली डिनार्स्क, इनका तो नावी वाला ही नाम लग रहा है, बिल्कुल नावी ये भी है। ब्रेंडन कोवेल, माइक सॉर्बी, लेट्स सी इनका थोड़ा अलग सा नाम है तो मे बी ह्यूमन है। स्कारलेट और बहुत खतरनाक खतरनाक हथियार से, और अभी वो एक नावी के रूप में है और इसका प्लान होता है इन सारे मतलब नावी को उधर से मार के भगाने का, और ऐसा ही होता है। ये जो गाइस है जो अभी एक कैप्टन यही बन गया होता है नावी, और ये अब प्लान कर लिया होता है कैसे भी करके इन सारे नावी को इनके ये अड्डे पे से भगा देना है। और ये लोग वैसा कर भी लेते हैं क्योंकि इनके पास बहुत खतरनाक वेपन्स होते हैं, और अभी अगले इस बार ये लोग अवतार के रूप में होते हैं इसीलिए ये लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ में होते हैं। तो जो कैप्टन होता है आराम से पहले इन्हें मार के भगा देता है। अब इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा होगा जानते हो, $250 मिलियन होगा। तो आप इसको अब इजीली कन्वर्ट कर सकते हो मतलब अवतार 2 के टोटल बजट के ऊपर। अब चलो हम लोग टोटल जितने सारे कैस्ट एंड क्रू हैं, क्यू को मतलब बहुत सारे न्यू रोल भी आए ना मूवी के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यू रोल में है अपने विन डीजल भैया। तो यार विन डीजल फास्ट एंड फ्यूरियस के हीरो, तो यार इस मूवी के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे एंड लेट्स सी उनका क्या सीन होने वाला है। और ये सिर्फ यार जस्ट टीजर में आ सकते हैं या फिर गाइस जस्ट कैस्ट क्रेडिट्स में आ सकते हैं या फिर ऐसा भी सीन हो सकता है, हु नोस, कोई सीन इनका हो ही ना, सिर्फ क्रू या फिर थैंक्स ओपनिंग में ही आ सकते हैं, इतना भी हो सकता है। तो यार अब चलो अवतार द वे ऑफ वाटर के कैस्ट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सैम, अब जो बचे कुचे नावी होते हैं गाइस वो लोग पहुंचते हैं एक दूसरे मतलब समुद्र के पार एक दूसरे नावी इलाका में, जहां पे हमें पता चलता है इस मूवी के अंदर सिर्फ एक प्रजाति नहीं है नावी का, दो तीन अलग अलग कलर्स के प्रजाति होते हैं। तो यार मैं बताना चाहता हूं ये जो नावी लोग होते हैं ये लोग होते हैं ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन, और अपने जो अवतार लोग थे वो लोग मतलब लाइट ब्लू, आपको जैसे कि पता है। तो जब इस ये लोग गांव में पहुंचते हैं ये लोग हेल्प करने के लिए बोलते हैं तो वो गांव वाले सीधा इनकार कर देते हैं और बोलते हैं हम लोगों को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और तुम लोग इधर आना मत क्योंकि तुम्हारे वजह से ये इंसान लोग हमें भी मार देंगे। वो ग्रीन नावी वाले इनकार कर देते हैं इनसे दोस्ती करने में। अब गाइस हमें दिखाया जाता है जो होता है अपना जैक सुली, वो उनके सरदार से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, चिरौरी करता है, और उसके बाद उनका जो सरदार होता है अग्री कर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है गाइस इधर दो कैटेगरी के नावी, एक लाइट ग्रीन नावी और एक, इस मूवी का रन टाइम है 192 मिनट्स, जैसे मैं बताना चाहता हूँ। कंट्री जो है यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज है मूवी का इंग्लिश एंड ऑफिशियल डब आपको सारे नेशनल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। बजट है मूवी का $350 मिलियन से $400 मिलियन के बीच में, और जो प्रोडक्शन है
जैसे कि जानते ही हो, इस मूवी का 2009 में पहला पार्ट आया था। और गाइस मूवी का ना शूटिंग बहुत जल्दी हो गया होता कंप्लीट, और में भी 2022 के थोड़ा बीच में ही आ गया होता, लेकिन कोविड, जैसे कि मैं बता देता हूँ, कोविड की वजह से इस मूवी का शूटिंग बहुत डिले हो गया। एंड इसी कारण इस मूवी को भी मतलब डिले में डाल के सारा बंद हो गया, और इसको भी लेट अभी रिलीज़ कर रहे लोग। ऑल थ्रू गाइस मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो ए मूवी है ए होने वाला है सीक्वल पार्ट लाइक अवतार 1 जो प्रीवियस में रिलीज़ हुआ था, अवतार 2 होने वाला है, अवतार 3 एंड गाइस लास्ट अवतार 4। तो यार इतने सारे इस मूवी के अलग अलग पार्ट आने वाले हैं। ब्लू वाले जो नॉर्मल हम लोग जानते हैं, इनके बीच में दोस्ती होती है। और इस मूवी अवतार 2 के अंदर हमें दिखाया जाएगा पहले तो समंदर के बीच का, मतलब समंदर कितना क्वालिटी और कितने अच्छे तरह से समुद्र को दिखाया जाएगा पेंडोरा प्लैनेट का, ये हमें देखना बाकी है। इसीलिए गाइस इस मूवी का नाम भी रखा गया है दी वे ऑफ वाटर। और मैं बताना चाहता हूँ ये जो मूवी आने वाला है 16 दिसंबर 2022 को आने वाला है, और 16 दिसंबर ज़्यादा दिन नहीं है, कल ही है, आप लोग जाके थिएटर में इंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको समझ में आ गया होगा स्टोरी तो सही है। वर्थ विंगटन वो प्ले करने वाले हैं जैक सुली का कैरेक्टर, जोए सल्डाना नाइथ्री का सेम रोल प्ले करने वाली हैं, सिग जॉनी वीवर वो किरी का रोल प्ले करने वाली हैं, केट विंगसलेट रोनल का रोल प्ले करने वाली हैं, और गाइस स्टेफन लैंग कोनेल क्वाट्रिच, ये भाई कोनेल को कौन भूल सकता है यार, ये साला विलन अभी भी जिंदा है पार्ट 2 के अंदर, फिर से यार मर के मतलब मौत के मुंह से वापस आ चुका है। तो यार देखते हैं क्या इस बार तबाही मचाने वाला है अंकल जी। उसके बाद विन डीजल का नाम दिया है लेकिन इनका कोई कैरेक्टर नेम नहीं दिया गया है, तो ऑब्वियसली मैं श्योर हूँ इनका सिर्फ क्रेडिट में ही इनका नेम रहेगा, इनका कहीं पे नहीं नेम आने वाला, और मूवी के अंदर इनका कोई सीन भी नहीं होने वाला है आई एम श्योर। उसके बाद गाइस माइकल योही डॉक्टर करियाना कर इनके ऊपर हमला बोल देते हैं। अब गाइस यही मूवी का प्लॉट सीन होने वाला है, क्योंकि हमें दिखाया जाएगा फिर से एक बार नावी और फेक नावी, लाइक पहले बार कैसा हुआ था फाइट इंसान और नावी के बीच में हुआ था, लेकिन गाइस इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, इस बार होने वाला है नावी और इंसान नावी के बीच में बैटल। तो इसीलिए जो मूवी है बहुत खास होने वाला है आप जानते हो, और मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। एंड गाइस जो मैं बताने वाला था आपको एक सीक्रेट, एक प्लैनेट पे एक छोटा बच्चा होता है लेकिन वो जा नहीं पाता है अर्थ पे, लाइक जब नावी लोग भेज रहे होते हैं उसे अर्थ पे वो जा नहीं पाता है, इसलिए जो जैक होता है उसको अपने साथ पेंडोरा पे ही रख लेता है, और वो जो इंसान का बच्चा होता है छोटा सा वो भी छोटे से ही ट्रेनिंग इधर मिला रहता है, इसीलिए वो इंसान का बच्चा इतना फुर्तीला होता है, लाइक उसका नाम ये लोग स्पाइडर रखते हैं, और वो बहुत फास्ट होता है गाइस। तो वो चलो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा, कल ही रिलीज होने वाला है जैसे कि आप जानते हो। तो मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है आपको इसी रोल प्ले करने वाली है। आपको पता होगा एक न्यू डॉक्टर इसमें है, और चलो मैं बहुत सारे जो बच्चे लोग होते हैं जैक सुली के बच्चे होने वाले हैं तो उनका भी नाम मैं बताता हूँ, अभी नहीं अभी बीच में आएंगे तो बताऊँगा। क्लिफ कर्टिस टोनोवारी का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड गाइस जैक चैम्पियन जेवियर सॉर्को का रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद ओना चालपिन वरांग का रोल प्ले करने वाली हैं, और यह है एक न्यू कैरेक्टर यार त्रिनिति ब्लिस तरीक का रोल, एक पता नहीं हाँ यही एक न्यू बच्ची है जो कि होने वाली है मूवी के अंदर। उसके बाद माइकल रॉड्रिक, इनका कोई भी कैरेक्टर नेम नहीं दिया गया, तो मतलब ये भी वो पोस्ट क्रेडिट सीन में ही दिखाने वाला है ये छोटी बच्ची। अभी गाइस हमें डेविड बर्नर दिख रहे हैं, क्रिस्टोफर ट्रॉय, उसके बाद जर्मनी आयरवान, यंग नाइटमैन ये भी उनका बच्चा ही है गाइस, हाँ ये भी उनका बच्चा ही लगता है, जॉन वेस्ट जूनियर, उसके बाद लेक मैकलिन नावी का रोल, इनका नावी नामी है मूवी के अंदर, कैरेक्टर के अंदर नावी है, उसके बाद रायन टर्क। यप गाइस मैंने सारे क्रूज को कवर कर लिया, नॉट सारे जो कि मेन स्क्रीन पे प्ले करने वाले उनका मैंने कवर कर लिया है। अब गाइस चलो हम प्रोडक्शन टीम के बारे में देख लेते हैं, कितना अच्छा इनका प्रोडक्शन चल रहा है और कहाँ कहाँ पे शूट्स है आप जानते ही हो, वो बहुत ज़्यादा उनसे मनाता है, और एट द एंड एक नावी ही दूसरे नावी की मदद करेगा जैसे कि आप जानते हो, और वो लोग हेल्प कर लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है गाइस इस प्लैनेट पे, मतलब इस समंदर के नीचे बहुत सारे अलग अलग जानवर होते हैं, और ये सारे नावी मिलके इंटरेक्शन उनसे करते हैं, और युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए इनके साथ ये लोग रहते हैं। और हमें दिखाया जाता है हर तरह के जानवर इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा जैसे कि आपको पता ही है। और अब एट द एंड जो होता है वो कर्नल होता है, उसको इन लोगों का लोकेशन पता चल गया है, अब ये लोग एक और
अब गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ मूवी के अदर डिटेल्स एंड फैक्ट्स, लाइक मूवी में कितना बजट लगा है, कितने ज़्यादा कास्ट एंड क्रूज हैं, वो सारे डिटेल जिसमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपको चाहिए तो सुन सकते हो। अदरवाइज स्टोरी एक्सप्लेनेशन था, सिर्फ 8 मिनट तक होता है। मेरे वीडियो में यार ऐसे ही होता है, जान लो यार, आपको स्टार्टिंग में पूरे अच्छे से स्टोरी को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, उसके बाद से गाइस मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि यार बहुत लोग होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर नहीं सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ आते हैं स्टोरी के लिए, इसीलिए यार मैं थोड़ा प्लान करके ऐसे वीडियो बनाता हूँ और आपको अच्छा भी लगता है। तो यार अगर ये अच्छा लगता है तो एक और बार मैं बोल रहा हूँ भाई, लाइक करना मत भूलना, जल्दी से लाइक कर दो, बहुत अच्छा बात होगा। और चलो, जो अवतार वन था मूवी आया था 2009 के अंदर, जैसे कि आपको बता सकता हूँ मैं, ये चुप्पे 2009 के अंदर, और गाइस उस मूवी का बजट था टोटल 23.7 करोड़ USD, मतलब टोटल था 237 मिलियन US डॉलर था, तो बहुत ज़्यादा होता है, और 23 करोड़ USD आप बोल। सो ये गाइस आपको अगर इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को भी लाइक करते हो, एंड आई थिंक सारा एक्सप्लेनेशन था रिलीज डेट से लेके पोस्ट क्रेडिट सीन एंड एवरीथिंग स्टोरी एक्सप्लेनेशन तक, और क्या क्या कास्ट एंड क्रू है वो सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मेक श्योर करो चैनल सब्सक्राइब करते हो। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।